हम शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। सर्वगुण संपन्न शिशु, क्रिएटिंग द चाइल्ड ऑफ योर ड्रीम्स। तो मेरे कुछ सवाल है आप सबसे कि जब भी कोई माँ से बात करते हैं तो क्या चाहती है कि मैं एक बहुत हेल्दी बच्चे को जन्म दूं, या ऐसा बच्चा मुझे चाहिए कि आजकल इतना कंपटीशन हो रखा है, इतनी सब जगह बिल्कुल एक रैट रेस जैसा चालू है, तो उसके बीच में भी मेरा जो बच्चा है वो जीत के निकले, वो बिल्कुल फर्स्ट पोजीशन पे हो। इनफैक्ट प्रेगनेंसी भी आजकल लोग ऐसे प्लान करने लगे कि स्कूल के एडमिशंस के साथ वो मैच हो सके, और बच्चा पेट में आता नहीं उसके पहले कौन से स्कूल में डालना है और उसके लिए क्या तैयारी करनी है, क्या कोचिंग देना है, उसके बारे में रिसर्च चालू हो जाता है। तो कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है, तो कैसे हमारा बच्चा उस कंपटीशन में अव्वल नंबर लेके आए, हमारा बच्चा कैसे फ्यूचर रेडी हो, क्योंकि जमाना बदलता जा रहा है। कल जो हम थे आज हम वो नहीं है, कल की जो टेक्नोलॉजी थी वो आज ऑब्सोलीट हो गई है, कल जो समय था जहां पे हम अपने बाप दादा के जो उनके जो लॉरल्स थे, उनकी जो चीजों थी उसके ऊपर हम अपने जीवन को क्रिएट कर सकते थे, बट अब वैसा समय नहीं रह गया है। अब हर बच्चे को अपनी जगह खुद बनानी होगी। अब ऐसा नहीं है कि भाई हमारे फादर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो बच्चा भी आगे चल के बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा, नॉट नेसेसरी। जमाना चेंज होता जा रहा है, चीजें ऑब्सोलीट होती जा रही है, इंडस्ट्रियल सिनेरियोस चेंज होते जा रहे हैं। अब हर बच्चे को अपनी जगह खुद बनानी होगी। आज का जमाना कल से बहुत डिफरेंट हो गया है, तो हमारा बच्चा किस तरह से फ्यूचर रेडी हो, हम कैसे इंश्योर करें कि हमारा बच्चा सर्वगुण संपन्न हो। हर माता ये चाहती है कि मेरा जो लाल है, मेरा जो बच्चा है, वो सर्वगुण संपन्न हो। तो आज मेरे सामने बहुत सारी माताएं बैठी हुई हैं, उन सबको मैं प्रणाम करती हूँ, क्योंकि ये जो समय है ये मातृत्व का सबसे सबसे स्पेशल समय है। इतना स्पेशल है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। दिस इज द मोस्ट स्पेशल स्टेज ऑफ योर लाइफ, और आप लोग कुछ बहुत भव्य निर्माण करने वाले हो। एक बार आपके जैसी एक माता थी जिसके 5 साल का बच्चा था, वो बहुत बड़े एक ग्रीक फिलोसोफर है सोक्रेटिस, उनके पास में गई और वो बोली कि मैं कैसे अपने बच्चे को सर्वगुण संपन्न बना सकूं। हर माता का यही एक एक सोच रहती है कि हम कैसे अपने बच्चे को सर्वगुण संपन्न कर सके। तो वो भी माता थी, वो भी गई वहां पर और जाके उनसे पूछा कि कैसे मैं अपने बच्चे को सर्वगुण संपन्न बना सकूं, ऑलराउंडर बना सकूं, बेस्ट बना सकूं। तो सोक्रेटिस जी ने उनको देखा और देख के एक सेंटेंस में रिप्लाई कर दिया कि माता जी, आप 5 साल 9 महीने लेट हैं। तो सही में वो 5 साल 9 महीने लेट थी, क्योंकि सर्वगुण संपन्न अगर आपको अपना शिशु बनाना है तो वो गर्भावस्था में ही बन सकता है। आप चाहोगे कि बच्चा आ गया, अब मैं कुछ करूं, तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, बट वो क्या बोलते हैं ना, आइसिंग ऑन द केक होता है, बस ऊपरी ऊपरी होता है कि भाई पेड़ आ गया, पेड़ की हम कटाई छटाई करके उसको सुंदर दिखा रहे हैं, लेकिन पेड़ कैसे फल देगा उसका डिसीजन तो बीज से ही होता है। तो इस सब का जो आंसर है वो है गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार मतलब गर्भ में दिए गए संस्कार, गर्भ में सारे वैल्यूज को क्रिएट करना, गर्भ में ही सारी नॉलेज को क्रिएट करना, गर्भ में ही सब चीज एक बच्चे को सिखाना। तो यही होता है गर्भ संस्कार, जो वैदिक पद्धति से चला आ रहा है। हमारे 16 संस्कार में जो पहले 3 संस्कार है वो गर्भ संस्कार ही है। तो सोचिए गर्भ संस्कार कितना इंपॉर्टेंट है कि 16 संस्कार जो गर्भाधान से डेथ तक चलते हैं, अंत्येष्टि तक चलते हैं, ये हमारे 16 संस्कार होते हैं, गर्भाधान से हमारे डेथ तक। उसमें 3 संस्कार सिर्फ और सिर्फ गर्भ संस्कार पर है। तो कितना इंपॉर्टेंट है गर्भ संस्कार। पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज जी ने कहा था, अ सीड कैन बी रेक्टिफाइड नॉट अ ट्री। आप एक बीज को ठीक कर सकते हो, पेड़ को नहीं कर सकते। पेड़ की तो सिर्फ कटाई छटाई होगी, बीज ही डिसाइड करेगा कि कैसे फल आने हैं, और फल आने हैं तो किस क्वालिटी के आने हैं।
तो कैसे फल आएंगे, किस क्वालिटी के आएंगे, उसमें क्या क्या गुण हो, बीज पर निर्भर करता है। और आज आप सब धन्य है क्योंकि आप सबके गर्भ में एक बीज है जो कल एक पेड़ का रूप लेगा। और आज हम जो एक दूसरे के सामने बैठे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि ये जो फल, ये जो पेड़ जब लगे और उसके जब फल जब लगे तो पूरी दुनिया देख के बोले कि यस, ये कोई बच्चा है जो पूरी दुनिया को तारने के लिए आए, एक दिव्य बच्चे की आप माँ बने। तो गर्भ संस्कार बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं माँ का जो गर्भ है वो एक दिव्य स्कूल है, अजन्मे बच्चे का दिव्य स्कूल है, जहां पे 90 साल का काम 9 महीने में किया जाता है। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगी 90 साल का भी नहीं हो सकता, आप ऐसा ऐसा काम गर्भ में कर सकते हो जो बच्चे के पैदा होने के बाद आप कर ही नहीं सकते, 90 साल भी फेल है उसके सामने। आप इतना कुछ अचीव कर सकते हैं। सो मदर्स वूम इज एक्चुअली द डिवाइन स्कूल, दिव्य स्कूल ऑफ द अनबॉर्न, वेयर 90 इयर्स ऑफ वर्क इज अचीव्ड इन जस्ट 9 मंथ्स। तो सोचिए 9 महीने आपके लिए कितने 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 इंपॉर्टेंट है। इसका एक एक दिन, इसका एक एक पल, इसका एक एक सेकेंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर मिनट आपके बच्चे का, गर्भ में जो आपका बच्चा है उसका 2.5 लाख न्यूरॉन्स डेवलप हो रहा है। हर मिनट 2.5 लाख न्यूरॉन्स ये आपके बच्चे का डेवलप हो रहा है। तो अगर आप कुछ मिनट के लिए भी सपोज गुस्सा हो जाती हैं, दुखी हो जाती हैं, तो आप अपने बच्चे की कितने ग्रोथ पे इफेक्ट ला रही हैं आप खुद सोच लीजिए। और अगर आप खुश रहती हैं, हैप्पी रहती हैं, एक सत्चित आनंद की अवस्था में रहती हैं और बच्चे पे पूरी फोकस्ड रहती हैं, तो आप कितना कुछ अपने बच्चे को दे रही हैं, क्योंकि हर मिनट 2.5 अढ़ाई लाख न्यूरॉन आपके बच्चे का डेवलप हो रहा है। 80% ऑफ द चाइल्ड्स ब्रेन इज डेवलप्ड इन द वूम ऑफ द मदर। आपका गर्भस्थ शिशु जो है जब बॉर्न होगा अपने 80% ब्रेन के साथ बॉर्न होगा, उसकी क्वालिटीज के साथ बॉर्न होगा 80%। तो सोचिए जीवन का मेजॉरिटी वर्क तो आप गर्भ में ही कर डाल रही हैं, और अगर नहीं कर रही हैं तो चूक जा रही हैं। मैं कई माओं को देखती हूँ जो जीवन भर बहुत मेहनत करती है अपने बच्चों के पीछे, कुछ कारण से उनके बच्चे फिजिकली थोड़े से वीक पैदा हो जाते हैं, मेंटली वीक हो जाते हैं, उतने इंटेलिजेंट रह नहीं रहते, उतने प्रभावशाली नहीं रहते, तो उनका पूरा जीवन लग जाता है अपने बच्चे को एक सही दिशा दिखाने में। बट अनफॉर्चुनेटली वो इतनी मेहनत करती है बट उनको रिजल्ट नहीं मिलता, बहुत डिफिकल्टी से मिलता है, बहुत डिफिकल्टी से। बट गर्भ में 9 महीने अगर आप बराबर तरीके से अपने बच्चे का ध्यान देती हैं तो आप 80% ऑफ द ब्रेन को डेवलप कर सकती हैं। सो मेरा सवाल ये है कि डू यू नो हाउ योर चाइल्ड इज गोइंग टू बी, आपका बच्चा कैसा पैदा होने वाला है, आपको क्या पता है, आपने क्या सोचा है? चाहत तो बहुत है मेरी, लेकिन आज सोचिए, आज साक्षात आदिनाथ प्रभु आपके सामने आ जाते हैं और कहते हैं कैसा बच्चा चाहिए मांग लो, तो क्या आप रेडी हैं मांगने के लिए? आपको क्लैरिटी है कि आपको अपने बच्चे में क्या क्या गुण चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? आप क्लियर हैं? क्योंकि जब तक आप क्लियर नहीं होंगी कि आप चाहती क्या है अपने बच्चे में, उसमें कैसे गुण होने चाहिए, उससे जब तक आप अवगत नहीं होंगी और जब तक उस डायरेक्शन में आप एनर्जीज नहीं सेंड करेंगी, वैसे वाइब्रेशंस अगर आप नहीं देंगी, तब तक वो अचीव नहीं होगा। हम मंत्र की चैंटिंग करेंगे, मेडिटेशंस करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, बट अगर हम दिशा ही नहीं देंगे, मेरे गाड़ी में पेट्रोल तो बहुत है, फ्यूल बहुत है, लेकिन मुझे पता ही नहीं कौन से रास्ते जाना है, तो क्या होगा? मैं कहीं भटक जाऊंगी, पेट्रोल भी खर्चा हो रहा है और मैं भटक भी रही हूं, अपने गंतव्य तक मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगी।
और जब आपका बच्चा पैदा होगा आप सोचोगे नहीं मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, बट प्रॉब्लम है आपने सोचा ही नहीं था। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको आज जानना है अपने बच्चे की साक्षात इमेज, फिजिकली इमोशनली मेंटली स्पिरिचुअली हर लेवल पर आपको क्लियर होनी चाहिए, उसका मूर्त स्वरूप आपके सामने होना चाहिए। जब आप अपने बच्चे को पहली बार गोद में ले तो आपको लगना नहीं चाहिए कि पहली बार लिया है, आपको लगना चाहिए कि अरे इसको तो मैं कब से जानती हूं, इसकी तो एक-एक क्वालिटी जो है वो तो मैंने क्रिएट की है, जैसा मैं चाह रही थी वो मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, हर चीज मैच कर रहा है। ये तो एकदम मेरे मेरी जो इमेजिनेशन में जो मेरे बच्चे की चित्र थी, फिजिकली मेंटली इमोशनली स्पिरिचुअली, ये हूबहू उसकी कार्बन कॉपी पैदा हुआ है। तब तो आप होंगी दिव्य माँ। और जो हम साथ में जुड़े हैं हम इसी पर्पस के लिए जुड़े हैं, क्यों बच्चे तो पैदा हो जाते हैं, बच्चे पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं है, हर दिन कितने लाख बच्चे पैदा होते हैं, कितने करोड़ बच्चे विश्व भर में होते होंगे, दैट इज नॉट अ बिग डील। बट इम्पॉर्टेंट क्या है, एक सर्वगुण दिव्य शिशु को जन्म देना। आज जो हम इकट्ठे हुए हैं वो इसीलिए इकट्ठे हुए हैं, एक जमीन होती है तो उसमें उगना थोड़ी ना इम्पॉर्टेंट है, छोड़ दो ऐसे ही, खरपतवार वीड्स तो ऐसे ही उग जाते हैं, जंगली पेड़ पौधे तो ऐसे ही उग जाते हैं। मेहनत किसान को किसमें लगती है, मेहनत लगती है अपने चयन के पेड़ों को उगाने में, कि भाई मुझे यहाँ पे संतरे का बगान लगाना है, मुझे आम का बगान लगाना है, मुझे ये ग्रो करना है, उसको उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें ये गुण होने चाहिए, मेहनत उसमें लगती है। बाकी जमीन को छोड़ दो, उग तो सभी जाएगा, तो बच्चे तो पैदा हो जाएंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बच्चा कैसा पैदा होगा। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, कपूत भी हो सकता है सपूत भी हो सकता है, लेकिन हम क्या चाहते हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो हमारा सेशन है वो टोटली इसी बात पर फोकस्ड है। एक काशी की रानी थी, रानी मदलसा, आप लोग उन्हें आई एम नॉट श्योर सुना है कि नहीं सुना है, बहुत बहुत महान और प्रतापी रानी थी वो, मदलसा रानी। और उनका जब बच्चा होता था ना, वो बच्चे के पैदा होने के पहले बिल्कुल हूबहू बता देती थी कि बच्चा कैसा बॉर्न होगा, और उसका कारण ये था क्योंकि 9 महीने वो वैसा ही जीवन यापन करती थी, उसी तरह का खान पान, उसी तरह की सोच, उसी तरह की उनकी एक्टिविटीज, हर लेवल पे वो उसी तरह का एक जीवन शैली को फॉलो करती थी, और उनके बच्चे वैसे ही होते थे। तो उनके जो पहले 3 संतान हुए उनको उन्होंने बिल्कुल एक सन्यासी जैसा एनवायरमेंट दिया था अपने गर्भावस्था में, और पहले ही बता दिया था कि भाई ये तो सन्यासी होंगे और बहुत श्रेष्ठ योनि के होंगे और बस पैदा होते ही चले जाएंगे। तो उनके पहले 3 बच्चे सन्यासी हो गए। फिर जब चौथा बच्चा गर्भ में आ रहा था तो राजा ने रिक्वेस्ट किया रानी को कि ऐसे सब बच्चे सन्यासी हो जाएंगे तो हमारे राजपाट का क्या होगा, एक तो राजा चाहिए। तो रानी ने कहा कोई बात नहीं, अब जो बच्चा गर्भ में आएगा वो आपकी राजगद्दी को संभालने के लिए बिल्कुल सुयोग्य होगा। और जब वो बच्चा गर्भ में आया तो रानी मदलासा ने अपने लाइफस्टाइल को पूरा चेंज कर दिया। वो जहां एक सन्यासी का लाइफस्टाइल अपने पहले के गर्भ में जी रही थी, अभी उन्होंने बिल्कुल एक क्षत्रानी का लाइफस्टाइल फॉलो कर लिया। उन्होंने बिल्कुल सीखना शुरू कर दिया कैसे तीर धनुष चलाते हैं, कैसे तलवारबाजी करते हैं, राजपाट को चलाने के क्या नियम कानून होते हैं। राजा के साथ वो बैठती थी दरबार में, जब सारे निर्णय होते थे, सब चीजें होती थी, बिल्कुल जो एक राजा का रोल होता है उसको बिल्कुल उन्होंने 9 महीने पूरा सीखा। और जो बच्चा उनका बॉर्न हुआ बहुत 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 प्रतापी राजा बॉर्न हुआ। तो ये थी रानी मदलासा की कहानी, और मैं चाहूंगी आप लोग सब भी इसी तरह से डिसाइड कीजिए कि सन्यासी चाहिए कि राजा चाहिए कि इंडस्ट्रियलिस्ट चाहिए कि स्पोर्ट्समैन चाहिए कि म्यूजिशियन चाहिए, कैसा चाहिए आपको आपका बच्चा, आप गर्भ में ही उसके बीज को डाल सकती हैं, बाकी तो उसके कर्म है,
लेकिन गर्भ में बच्चे के जो कर्म होते हैं उनका बहुत कर्मों की निर्जरा भी होती है और जो गुण जो होते हैं वो गुण को वो ग्रहण भी करते हैं। तो आज हम जो इस सेशन में हैं वो यही डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर सर्वगुण संपन्न बच्चा होता क्या है। बहुत इजी है ये वर्ड, कैसा बच्चा चाहिए? सर्वगुण संपन्न। लेकिन जैसे अगला सवाल होता है बस टाइम टाइम फिस हो जाता है। ठीक है, सर्वगुण संपन्न क्या क्या गुण होते हैं भाई जिससे आप सर्वगुण संपन्न बोलोगे? मतलब ऐसे क्या क्या गुण है कि पूरे दुनिया के गुण आ जाए? कोई आंसर कर सकता है मुझे? कैन समबडी हेल्प मी कि ऐसे क्या गुण होंगे कि सारे गुण आ जाएंगे? कोई मॉडल है, कोई थ्योरी है, कुछ है जिसको हम बस सोचे और सब आ जाए? ऐसे तो हम बोले सर्वगुण संपन्न, सर्वगुण संपन्न, तो भाई सर्वगुण संपन्न में तो और भी बहुत सारे अलग अलग गुण भी होते हैं, हम वो चाहते हैं क्या? तो हमें क्लैरिटी चाहिए। तो आज का सेशन आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ वो क्लैरिटी देने वाला है कि एक सर्वगुण संपन्न शिशु होता क्या है और उसकी प्राप्ति हम कैसे कर सकते हैं। मैंने बार बार अपने प्लेलिस्ट को ग्रुप्स में सर्कुलेट किया है जिसमें मेरे पुराने वीडियोस थे ऑन फिजिकल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग एंड मेंटल वेलबींग। आई होप आप सबने देखा होगा बिकॉज आज का सेशन उससे नेक्स्ट लेवल पर है। आज का सेशन एडवांस कोर्स है ऑन गर्भ संस्कार, क्योंकि बहुत सारी बातें मैंने बेस लेवल पे वहां डिस्कस कर ली है और मैं चाहूंगी कि उस नॉलेज के साथ आप अब ये सेशन को फॉलो करें। और अनफॉर्चुनेटली अगर किसी ने नहीं वो चीज को फॉलो किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं कोई बात आपको अगर नहीं समझ में आ रही, जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट, आप मेरे उस सेशन को रेफर करेंगे तो हर चीज क्लियर हो जाएगी। क्योंकि आज के सेशन में मैं पुराने सेशन को रिपीट नहीं करने वाली हूँ बिकॉज फिर मैं आगे की बात नहीं कर पाऊंगी। आज का सेशन, पहले मैंने कहा था, एडवांस कोर्स है और हम इन डेप्थ जानने वाले गर्भ संस्कार पे, तो हम इसके साथ शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो है, व्हाट इज इंटेलिजेंस? सर्वगुण संपन्न यानी इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस होता क्या है? मेरे को बहुत इंटेलिजेंट बच्चा चाहिए, सब इंटेलिजेंस होनी चाहिए, तो इंटेलिजेंस होता क्या है भाई? इंटेलिजेंस इज टू यूज व्हाट यू नो, योर नॉलेज, इन द राइट वे, एट द राइट टाइम, इन द राइट प्लेस, विद द राइट इंटेंशन, टू गेट द राइट रिजल्ट्स। प्लेन एंड सिंपल। इंटेलिजेंस कुछ नहीं है, इंटेलिजेंस हमारा नॉलेज है। लेकिन नॉलेज इंटेलिजेंस नहीं है, नॉलेज का एप्लीकेशन इंटेलिजेंस है, और नॉलेज का एप्लीकेशन भी इंटेलिजेंस नहीं है। नॉलेज का एप्लीकेशन इन द राइट वे, एट द राइट टाइम, इन द राइट प्लेस, विद द राइट इंटेंशन, टू गेट द राइट रिजल्ट्स इज इंटेलिजेंस। आई होप यू आर क्लियर। समझ रहे हैं? सिर्फ ज्ञान होना इंटेलिजेंस नहीं है। ज्ञान बहुत है, मैं बहुत जानती हूं, लेकिन आपके सामने, आप सबके सामने आते सब भूल जाती हूं, मेरा इंटेलिजेंस कुछ काम आएगा, फेल हो जाएगा, मैं आपसे कुछ शेयर ही नहीं कर पाऊंगी, राइट? तो इंटेलिजेंस जो है वो राइट वे में, राइट टाइम पे, राइट प्लेस में, राइट इंटेंशन के साथ राइट रिजल्ट्स को प्राप्त करना इंटेलिजेंस है। तो अब इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस तो हमने समझ गया कि भाई ये इंटेलिजेंस है, लेकिन क्या इंटेलिजेंस है? जो डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर हैं, जो बहुत बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने इंटेलिजेंस को 9 टाइप्स में डिफाइन किया है, जिसके अंडर दुनिया की सारी इंटेलिजेंस आ जाती, कुछ छुपती नहीं है, सारी आ जाती। तो क्या क्या है वो इंटेलिजेंस, लेट्स गो वन बाई वन, और बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, क्योंकि ये थ्योरी है, प्रैक्टिकल आपको करना है। इस सेशन के बाद आप सबको मैं बहुत काम पे लगाने वाली हूं, आप रेडी हो? देखिए मेहनत बहुत कराऊंगी ये पहले बता देती हूं मैं, क्योंकि हमारे सामने वर्षा जी बैठी है जो आर्किटेक्ट हैं, और उनको बहुत अच्छे से मालूम है कि बिल्डिंगें ऐसे खड़ी नहीं हो जाती, पेपर पे प्लानिंग करना पड़ता है, बजटिंग करना पड़ता है, बहुत कुछ जाता है, उसके बाद ईंटें लगनी चालू होती है और तब बिल्डिंग का निर्माण होता है। तो वो तो बिल्डिंग बनाती हैं, आप तो इनसे भी बड़ी आर्किटेक्ट हो, आप तो माँ हो, आप एक सृजन कर रही हो, आप एक नए, एक भविष्य का, इस जगत का सृजन कर रही हो, आप, आपके गर्भ में एक बच्चा है, तो यू आर एन आर्किटेक्ट ऑफ द वर्ल्ड, आप इस दुनिया की आर्किटेक्ट हो, क्योंकि ये जो बच्चा बाहर आएगा वो क्या क्या करेगा आपको भी नहीं मालूम,
कितनी अमेजिंग चीजें करने वाला है। तो इसलिए हमें बहुत क्लैरिटी चाहिए कि इस बच्चे में हम क्या गुण देना चाहते हैं। तो बहुत ध्यान से आप एक-एक क्वालिटी के बारे में समझिएगा और फिर आपको खुद ये क्वालिटी को क्रिएट करनी है अपने बच्चे के लिए अपने गर्भ में। तो सबसे पहला इंटेलिजेंस हुआ वह बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। तो बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस क्या हुआ? हमारे शरीर से जुड़ा हुआ, हमारी मोटर स्किल्स, हम कितने अच्छे से अपने हाथ को यूज कर सकते हैं, कितने अच्छे से हम अपने बॉडी को यूज कर सकते हैं। हमारा बॉडी हमारा मास्टर है कि हमारा स्लेव है? हम बॉडी को डिक्टेट करते हैं कि बॉडी हमें डिक्टेट करता है? तो जो बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस जिसमें बहुत ज्यादा है, वो अपनी बॉडी पे पूरा कमांड करते हैं। उनकी बॉडी बिल्कुल उनके माइंड और उनके ब्रेन के हिसाब से वर्क करती है। और ऐसे लोग जो है बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन बनते हैं, बहुत अच्छे डांसर्स बनते हैं, उनकी मोटर स्किल्स बहुत अच्छी होती है, उंगलियों का प्रयोग वो बहुत अच्छा करते हैं, बॉडी का प्रयोग बहुत बहुत अमेजिंग जिमनास्ट बनते हैं। वो अपनी बॉडी को फुल्ली कंट्रोल कर सकते हैं। तो बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। सेकेंड इंटेलिजेंस है लॉजिकल रीजनिंग इंटेलिजेंस। बेसिकली हम इंटेलिजेंस को जो जानते हैं ना, वो बस यही जानते हैं कि सिर्फ यही इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस है, बाकी सब फेल है। लॉजिकल रीजनिंग इंटेलिजेंस, क्योंकि हमारा कोई दोष नहीं है इसमें। हमारी हमारा जो करिकुलम है वो ऐसा ही डिजाइंड है जिससे हम लेफ्ट ब्रेन ओरिएंटेड हो गए हैं और हम सिर्फ लॉजिक को सोचते हैं कि वो इंटेलिजेंस है। भाई बच्चे का रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स अच्छा आ रहा है तो ही वो बच्चा इंटेलिजेंट है, जरूरी नहीं है। अगर वो जरूरी होता तो आज जितने बच्चे क्लास में फर्स्ट आ रहे हैं, वो सारे के सारे बच्चे अपनी लाइफ में भी फर्स्ट आते थे। बट वो नेसेसरी नहीं है। वो सारे बच्चे फर्स्ट आ भी सकते हैं और कई बार वो फेलियर भी हो जाते हैं। और बहुत सारे बच्चे जो मीडियोकर रहते हैं, बैक बेंचर्स रहते हैं, मस्ती करते हैं, इंजॉय करते हैं, वो अपनी लाइफ में आगे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये इंटेलिजेंस किसी में ज्यादा होगा, किसी में कम होगा, बट इसके अलावा 8 और इंटेलिजेंस है। तो जिसमें वो बाकी इंटेलिजेंस का समावेश अच्छा है, वो आगे बढ़ जाता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक इंटेलिजेंस अच्छी हो, बट हमारा जो करिकुलम है, हमारा जो एडुकेशन सिस्टम है, वो सिर्फ इसी इंटेलिजेंस को देखता है। जैसे मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं तो हमें लगता है वो तो बहुत अमेजिंग होगा। जरूरी नहीं है वो अमेजिंग हो, बहुत दूसरी क्वालिटीज भी हो सकती है उसमें। इसलिए आप सारा मूल्यांकन मार्क्स में नहीं करेगा। बट यस, अगर आपका शिशु डिवाइन है तो मार्क्स भी अच्छे लेके आएगा, उसमें भी कमी नहीं रहेगा, बट बाकी में भी अच्छा होगा, क्योंकि वो ओवरऑल विनर होने वाला है, क्योंकि वो सर्वगुण संपन्न होने वाला है। तो लॉजिकल रीजनिंग इंटेलिजेंस जो है, वो बेसिकली हमारे डिफरेंट लॉजिकल रीजनिंग के साथ में डील करता है। हमारे कंप्यूटेशन स्किल्स, हमारे मैथमेटिकल स्किल्स, पजल सॉल्विंग स्किल्स, स्ट्रेटेजी स्किल्स, ये सब के साथ डील करता है। फिर आता है वर्बल इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन, लिखने की कला, बात करने की कला। तो वर्बल इंटेलिजेंस के जो लोग होते हैं, उनके पास बहुत अच्छा कमांड होता है शब्दों का। बात करते हैं तो बस लगता है कि मेरे लिए ही बात कर रहे हैं। 1000 लोगों से बात करते हैं, लेकिन हर इंसान को लगता है कि अरे मुझसे ही बात हो रही है, मेरे बारे में ही बात हो रही है। उनकी हर बात दिल को छू जाती है। वो जो बोलते लगता है कि बस हम कर ही डाले। तो उनका वर्बल इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग है। उनकी राइटिंग स्किल्स, उनकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है। उनका लैंग्वेज पे कमांड बहुत अच्छा होता है। चौथा इंटेलिजेंस स्पेशल इंटेलिजेंस। स्पेशल इंटेलिजेंस मीन्स स्पेस से रिलेटेड। स्पेस मीन्स जगह, लाइक वो विजुअलाइज बहुत अच्छा कर सकते हैं। दे कैन विजुअलाइज, 3D विजुअलाइजेशन उनकी बहुत अमेजिंग होती है। कुछ भी आंख बंद करके वो सोच सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे लोग आर्किटेक्ट बहुत अच्छा बनते हैं, पेंटर्स बहुत अच्छा बनते हैं, ग्राफिक आर्टिस्ट होते हैं। इनमें वो सब क्वालिटीज बहुत अच्छी होती है। स्पेशल इंटेलिजेंस, दे कैन विजुअलाइज, वो पेन पेपर से पहले अपने माइंड में हर चीज को ड्रॉ कर लेते हैं। उनकी मैप रीडिंग स्किल्स बहुत अमेजिंग होती है। नेक्स्ट इंटेलिजेंस है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। इसको समझाने की आवश्यकता नहीं है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। म्यूजिक का सेंस इनको बहुत अच्छा होता है, ताल का, रिदम का, सुर का, बहुत अच्छा इंटेलिजेंस होता है इनको। एंड दे आर वेरी गुड सिंगर्स, दे आर वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स, दे आर वेरी गुड डांसर्स। फिर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। नेचुरलिस्टिक मीन्स नेचर के साथ, उनका प्यार नेचर के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। नेचर यानी पशु पक्षी, पेड़ पौधे, इनके साथ उनका बहुत जुड़ाव रहता है।
तो ऐसे जो बच्चे होते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं, वो पेट्स को बहुत प्यार करते हैं, पेड़ पौधों से उनको बहुत प्यार होती है, बॉटनी में, जूलॉजी में, ये सब में वो बहुत अच्छा करते हैं। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सन यानी एक दूसरे के साथ संबंध, रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ में, वो बहुत अच्छे तरीके से दूसरों को समझते भी हैं और उसके हिसाब से अपने आप को रिस्पॉन्ड भी करते हैं। दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग इन द माइंड ऑफ अदर्स, नॉट नेसेसरीली कि बस ऊपर ही ऊपर ही, दे एक्चुअली फील व्हाट इज गोइंग एंड देन उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड भी करते हैं, बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स बनाते हैं। या इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट इज इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल यानी खुद के साथ। आज मेजॉरिटी लोग यहीं पे फेल हो रहे हैं, बाकी सब तो बहुत कुछ हो जा रहा है लेकिन खुद को ही नहीं समझ पाते, खुद की क्या चाहत है, खुद क्या चाहते हैं, खुद क्या अचीव करने की इच्छा रखते हैं, खुद के क्या स्ट्रेंथ्स है, खुद के क्या वीकनेसेस है, खुद के क्या थ्रेट्स हैं, खुद के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है, खुद के स्वॉट एनालिसिस तो कभी की ही नहीं किसी ने। अगर चिड़चिड़ लग रही है तो क्यों चिड़चिड़ लग रही, नहीं मालूम, बस लग रही है। दे डोंट नो वॉट इमोशंस आर गोइंग इन देम एंड दे डोंट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड टू दोज इमोशंस। सो उनकी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत लो होती है। और अगर वो समझते हैं अपने आप को बहुत बेखूबी से और उसके हिसाब से, रिस्पॉन्ड भी कर पाते, देन दे आर वेरी गुड एट इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। एंड फाइनली एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस मीन्स हम क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम अगर इस धरती पे आए हैं तो क्यों आए हैं, हमारे आने का पर्पस क्या है, हमारा एजेंडा क्या है, हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं और हम जिस तरह का जीवन जी रहे हैं क्या वो उसी दिशा में जा रहा है कि हम आए थे कुछ और करने और जा रहे हैं कहीं और। तो ये बेसिकली हमारे एग्जिस्टेंस को लेकर डील करता है। तो ये 9 टाइप्स के इंटेलिजेंस हैं। और अगर हम एक सर्वगुण संपन्न शिशु की बात कर रहे हैं तो उसमें ये 9 इंटेलिजेंस प्रेजेंट होने चाहिए। जरूरी नहीं है सब टॉप नॉच लेवल पे होगा, कुछ ज्यादा होगा, कुछ कम होगा नेचुरली, क्योंकि वो बच्चा भी अपने कुछ पर्पस को लेके आपके गर्भ में आ रहा है। सिर्फ आप ही उसके जीवन की क्रिएटर नहीं है कि आप चित्रगुप्त अपने बच्चे की सारी आपने कहानी लिख डाली, नहीं, चित्रगुप्त तो एक्चुअल में वो है और उसने चयन आपका इसलिए किया बिकॉज उसे मालूम है कि मेरी माँ मेरे लिए बहुत मेहनत करने वाली है, इसलिए दिव्य शिशु ने आपको चुना है। तो आप मेहनत सब में करेंगी, फिर अल्टीमेटली कुछ इंटेलिजेंस ज्यादा होगा, कुछ कम होगा, बट ऐसा नहीं है कि गायब हो जाएगा। और हमारा पर्पस यही है कि ये 9 महीने के पीरियड में हम ये 9 इंटेलिजेंस को अपने गर्भ में डालें। हमारा गर्भ जो है वो क्या है, एक दिव्य स्कूल है, एक दिव्य स्कूल है, डिवाइन स्कूल है हमारा गर्भ। और ये डिवाइन स्कूल का करिकुलम क्या है, ये डिवाइन स्कूल का करिकुलम है ये 9 इंटेलिजेंस। ये डिवाइन स्कूल का करिकुलम ये 9 इंटेलिजेंस है। हमें ये 9 मंथ्स में ये 9 इंटेलिजेंस को अचीव करना है, प्राप्त करना है। तो अब हम इंटेलिजेंट क्वोशेंट, क्या होता है इंटेलिजेंस क्वोशेंट? मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ अ पर्सन इज अ स्कोर एंड दैट डिफाइन्स द इंटेलिजेंस ऑफ अ पर्सन। कि भाई अब इंटेलिजेंट है तो कितना इंटेलिजेंट है, तो दैट इज अ स्कोर, दैट इज अ स्कोर जो आजकल बहुत फेमस हो गया है, उसी स्कोर पे सारा कहानी होता है, एडमिशन स्कूल कॉलेज में उसी से होते हैं, क्या बोलते हैं, नौकरी उसी स्कोर पर मिलती है, उसी की टेस्टिंग होती है और उसी हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। सो क्वोशेंट इज अ स्कोर जो आपकी इंटेलिजेंस को मेजर करता है। तो क्वोशेंट जो है वो 4 प्रकार के हैं, पी क्यू, आई क्यू, ई क्यू एंड एस क्यू। पी क्यू बेसिकली इज योर फिजिकल क्वोशेंट, आई क्यू इज इंटेलेक्चुअल क्वोशेंट, ई क्यू इज इमोशनल क्वोशेंट एंड एस क्यू इज स्पिरिचुअल क्वोशेंट। अब ये क्वेश्चन का वो इंटेलिजेंस से लिंकेज क्या है वो अब मैं आपको बताती हूँ। हमारा जो फिजिकल क्वेश्चन है वो किससे डील करता है, हमारे बॉडीली काइनेस्थेटिक स्किल्स के साथ डील करता है, क्लियर। हमारा इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल जो क्वेश्चन है वो 4 स्किल्स के साथ डील करता है,
लॉजिकल, लिंग्विस्टिक, स्पेशियल और म्यूजिकल। आई एम श्योर अब आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, राइट? थर्ड है हमारा इमोशनल क्वोशेंट, जो डील करता है इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल और नेचुरलिस्टिक स्किल्स के साथ में, और स्पिरिचुअल क्वोशेंट जो डील करता है एग्जिस्टेंशियल स्किल्स के साथ में। तो ये जो 9 इंटेलिजेंसेस हैं, जो 9 स्किल सेट्स हैं, वो इस तरह से 4 चीज में विभाजित होते हैं, PQ, IQ, EQ और SQ। और जब हम एक सर्वगुण संपन्न बच्चे की बात कर रहे हैं, तो वो बच्चा ऐसा है जिसमें PQ, IQ, EQ और SQ चारों के चारों क्वोशेंट बहुत अच्छी मात्रा में प्रेजेंट हैं। हो सकता है उसका IQ स्कोर सबसे ज्यादा हो, हो सकता है उसका EQ स्कोर सबसे ज्यादा हो सकता है उसका PQ स्कोर सबसे ज्यादा हो, स्कोर कम ज्यादा हो सकते हैं, और वो स्कोर के अंदर में भी जो डिफरेंट स्किल सेट्स है वो भी वेरिंग हो सकते हैं। भाई IQ स्कोर ज्यादा है और उसके अंदर में भी म्यूजिकल इंटेलिजेंस उसकी सबसे ज्यादा है या स्पेशल इंटेलिजेंस सबसे ज्यादा है, सो दैट माइट वेरी, राइट? आप ये नहीं सोचिएगा कि 9 के 9 एकदम परफेक्ट हो, 9 के 9 में 100 में 100 मार्क्स मिले, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। हमें 9 के 9 में हमें मार्क मतलब क्वालिटीज डालनी है, और फिर वो वेरी करेगा, कोई 100 में 100 होगा, कोई 100 में 90 होगा, कोई 100 में 80 होगा, बट डिस्टिंक्शन लेवल के मार्क्स सब में होंगे, सब ए कैटेगरी में आएंगे, कोई ए के नीचे तो होगा ही नहीं, कोई ए प्लस 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 हो सकता है, कोई ए प्लस प्लस हो सकता है, कोई ए प्लस हो सकता है, और कुछ ए रह सकते हैं, बट ए के नीचे नहीं, क्योंकि हमारा जो बच्चा है वो ए कैटेगरी का है, वो सर्वगुण संपन्न है। तो सबसे पहले हमारा फिजिकल इंटेलिजेंस, फिजिकल इंटेलिजेंस क्या है? इट इज PQ एंड इट डील्स विद द एबिलिटी टू परफॉर्म फिजिकल टास्क यूजिंग द बॉडीली काइनेस्थेटिकल स्किल्स। तो PQ क्या? इट इज अ फंक्शन ऑफ हाउ वेल यू आर ट्यून्ड विद योर फिजिकल वेलबींग, हाउ गुड यू एंड कॉन्फिडेंट यू फील अबाउट योर बॉडी, हाउ वेल यू आर एबल टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क यूजिंग योर बॉडी। आप अपने शरीर को यूज करके किस तरह से कार्य कर सकते हो और आप किस तरह से कॉन्फिडेंट फील करते हो अपने बॉडी को लेकर। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे ये आता है, वेदर यू आर अ मास्टर और स्लेव ऑफ योर बॉडी। अगर आप मास्टर हो, डिक्टेट करते हो अपने बॉडी पे, तो आपका PQ स्कोर बहुत ज्यादा है, और अगर आप स्लेव हो तो आपका PQ स्कोर फेलियर मार्क्स का है। और यहां पे एक बात मैं आपको बता दूं कि गर्भावस्था में आपको अपने स्कोर को खुद मेंटेन करते रहना पड़ेगा, आपका PQ, IQ, EQ, SQ, क्योंकि जैसा आपका स्कोर होगा आपके गर्भस्थ शिशु का वही स्कोर होने वाला है, और पैदा होने के बाद में उसका स्कोर वही होने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई हाई PQ के लिए हमें अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए, हमें अच्छी एक्सरसाइज चाहिए, हमें प्रॉपर स्लीप चाहिए, प्रॉपर रेस्ट चाहिए, बट आप ही प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं कर रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, ढंग से नहीं खा रहे हो, आपको जिस प्रकार का प्राणायाम योगा, डिपेंडिंग ऑन योर हेल्थ कंडीशन, बिकॉज नेचुरली सबकी हेल्थ कंडीशन एक समान नहीं होती प्रेगनेंसी में, बट आप अपने कंडीशन के हिसाब से आप किस तरह से आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, कैसे रेस्ट कर रहे हैं, वो सब डिसाइड करेगा आपका बच्चे का PQ। तो ये कोई मैजिक नहीं है कि बस आपने दिमाग में सोच लिया कि मेरे को मेरे बच्चे को ऐसा ऐसा चाहिए, सब में 90-90 मार्क्स दे दिए, या फिर 99-99-99 मार्क्स दे दिया, 100 में 100 भी दे दिया तो आपके बच्चे को मिल जाएगा। नो, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये 9 महीने आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर आपको PQ स्कोर हाई चाहिए तो आपको अपने डाइट का, न्यूट्रिशन का ध्यान देना होगा, आपको अपने योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज का ध्यान देना होगा, आपको अपनी स्लीप पैटर्न्स का ध्यान देना होगा, और ये सब मैंने फिजिकल वेलबींग में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, बहुत डिटेल में। प्लीज गो थ्रू दैट अगेन, उसके सारे पॉइंट्स को बैठ के आप नोट करें और उसको अपनी दिनचर्या में उतारें। सिर्फ मैंने आपको बोल दिया और आप समझ गए और आपने बस सोच लिया कि भाई मेरे बच्चे का PQ बहुत अच्छा है, उससे हो जाएगा, नो 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 नो। PQ आपके बच्चे का तभी होगा जब आप
वो सारे फिजिकल वेलबींग के एस्पेक्ट्स को फॉलो करेंगी। बहुत डिटेल में हमने डाइट के बारे में डिस्कस किया है, उसमें योगा प्राणायाम के बारे में डिस्कस किया है, स्लीप पैटर्न्स के बारे में डिस्कस किया है, स्लीपिंग टाइम के बारे में डिस्कस किया है, बहुत डिटेल में डिस्कस किया हमने उस वीडियो में, जो लास्ट हमारा, मैं उसको बिगनर कोर्स बोलूंगी, बिगनर कोर्स कर्म संस्कार का। आज आप एडवांस कोर्स में बैठे हो, तो बिगनर कोर्स में हमने बहुत डिटेल में पीक्यू के बारे में चर्चा की थी। वो सब आपको अपनी लाइफ में डालना होगा, तभी आप अपने बच्चे का हाई पीक्यू एक्सपेक्ट कर सकती हैं, अदरवाइज नहीं। आप बोलोगे कल को आके दीदी आपने तो कहा था लेकिन हुआ नहीं, तो कैसे होगा? दीदी के कहने से तो नहीं होगा, दीदी तो भगवान नहीं है ना, दीदी अंतर्यामी है, दीदी तो सिर्फ जो अपने अनुभव से आपसे शेयर कर सकती है, करना तो आपको है, आपके गर्भ में जाके मैं भी कुछ नहीं कर सकती, आप हो, आपका गर्भ है, आपका बच्चा है, बस आपको ही करना है, आप एक यूनिट हो, आपको करना है, राइट? तो पीक्यू इज मेनली अबाउट डूइंग। So, आप कैसे अपने बच्चे की पीक्यू बढ़ा सकती हैं? आप बढ़ा सकती हैं बाय राइट न्यूट्रिशियस पॉजिटिव एनर्जी डाइट, सात्विक आहार के द्वारा, प्रॉपर स्लीप साइकिल, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने 9 to 3 साइकिल वगैरह बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, प्लीज फॉलो दैट, एडिक्वेट एक्सरसाइजिंग एंड ब्रेथ वर्क फिट टू योर कंडीशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कहूंगी, ऐसे आड़े ताड़े चीजें ना करें जो आपके कंडीशन को सूटेबल नहीं है। जहां योगा प्राणायाम और इस तरह के बॉडी एक्सरसाइज की बात आती है, प्लीज कंसल्ट योर गायनेक बिफोर डूइंग एनीथिंग, प्लीज। एंड चौथा, फोकसिंग ऑन ब्रेन, ब्रेन जिम, आप यूट्यूब में टाइप करिएगा, गूगल वगैरह में ब्रेन जिम, तो बहुत अमेजिंग एक्सरसाइजेस होते हैं जो हैंड माइंड कोऑर्डिनेशन, ब्रेन माइंड कोऑर्डिनेशन ये सब कराते हैं, विच इज वेरी गुड बिकॉज वो आपके ब्रेन को ना बहुत एक्टिव बनाते हैं। तो इस तरह के आप लिंक्स यूट्यूब में बहुत रेडिली अवेलेबल है, लगे तो मैं कुछ निकाल के ग्रुप में पोस्ट कर दूंगी लिंक्स निकाल के, तो आप उसको डेली 10 मिनट्स 15 मिनट्स प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज जब आप वो करेंगे ना आपका बच्चा शार्प होगा। वो जो मैं कह रही हूँ ना कि स्लेव बॉडी का है कि मास्टर है बॉडी का, तो जब हम इस तरह के ब्रेन जिम एक्सरसाइजेस करते हैं तो हम क्या करते हैं, ब्रेन के सिग्नल्स को बहुत फास्ट कैच करते हैं अपने बॉडी से, तो उससे बहुत फटाफट हम लाइक यू नो हमारी पीक्यू स्कोर्स बहुत हाई हो जाती है। सो नेक्स्ट, इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस। अब इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस क्या है? बेसिकली वो इंटेलिजेंस है जिसके बारे में हम हमेशा चर्चा करते आ रहे हैं, इट इज बेसिकली स्किल बेस्ड, इट इज रिलेटेड टू सम स्किल, इट इज कंसर्न विद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, हमारे ब्रेन में वो डिफरेंट स्किल्स हैं जगह जगह पे, सब हैं हमारे ब्रेन में, हर चीज है, प्रॉब्लम ही है वो डॉर्मेंट अवस्था में, सुप्त अवस्था में, हमें क्या करना है, उसे जागृत करना है, हमें इसे झकझोरना है, उसे जागृत करना, और जागृत करने का बेस्ट समय है गर्भ में। तीसरा क्या करता है, हमारा टेक्निकल नो हाउ बढ़ाता है, टेक्निकल नो हाउ मतलब करने का तरीका, जैसे म्यूजिकल स्किल एक टेक्निकल चीज है, क्या बोलते हैं, ड्राइंग पेंटिंग, दीज आर ऑल टेक्निकल स्किल्स, कि भाई आपको चीज करनी आनी चाहिए, वो कैसे किया जाता है, सो टेक्निकल नो हाउ है। इट इज प्राइमरी डेटा ड्रिवन, कि भाई कैसे होना है, क्या होना है, एंड फोकस इज ऑन योर थिंकिंग एबिलिटी। पीक्यू डेल्ट विद डूइंग, IQ deals with thinking and it deals with your 4 intelligences, logical, mathematical, verbal, spatial and musical. ये 4 जो intelligence है, जिसमें से 2 intelligence, mathematical और verbal intelligence, आपके left brain से related है, और spatial और musical intelligence जो है वो आपके right brain से related है, वो creative intelligence है, और ये जो ज्यादा logical, mathematical, verbal जो है वो basically क्या बोलते हैं, left brain oriented logical intelligence है। So factors leading to high IQ is continuous, systematic, disciplined attainment of knowledge and its application. भाई मुझे बहुत अच्छा संगीतकार बनना है तो ऐसे नहीं बन जाऊंगा, मुझे रोज रियाज करना पड़ेगा, मुझे बहुत अच्छा आर्टिस्ट बनना है तो ऐसे नहीं बन जाऊंगी, मुझे रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो इट इज ऑल अबाउट दैट। Now, how we can increase IQ? हमारे गर्भस्थ शिशु का अब हमें ये 4 इंटेलिजेंस बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ा सकते हैं? फर्स्ट, लॉजिकल।
लॉजिकल स्किल्स कैन बी डेवलप्ड बाय द एक्टिवेशन ऑफ द लेफ्ट ब्रेन. कैसे? बाय सॉल्विंग पजल्स, ब्रेन टीजर्स, डूइंग मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस एंड टेकिंग इंटरेस्ट इन डिफरेंट स्ट्रेटेजी गेम्स लाइक चेस. तो रोज मैं चाहूंगी आप एक आध पजल सॉल्व करें. स्कूल में किया होगा मैथ्स आपने, थोड़ा सा वापस से चाहते हैं बच्चा आपका फटाफट कैलकुलेट करे, तो थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी ना 9 महीने में. तो थोड़ी कैलकुलेशंस कीजिए, फटाफट फटाफट कैलकुलेशंस, कुछ पजल सॉल्व कीजिए, सुडोको वगैरह कुछ कीजिए. चेस नहीं आती तो थोड़ा चेस सीख लीजिए, तो चेस में इंटरेस्ट, मतलब थोड़ा समय लॉजिकल स्किल्स के लिए आप निकालें ताकि आपका वो पार्ट जो है वो एक्टिवेट हो. सेकेंड, लिंग्विस्टिक स्किल्स. Mother can transfer linguistic skills in the unborn by doing creative writing, learning new language, increasing her vocabulary, reading and listening to good literature, and most important of all, establishing a bond with her unborn child by engaging in garbh sambad. Very important. सबसे पहले तो आप linguistic skill, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कुछ भाषा सीखे, आप नई नई भाषा सीख सकते हैं. स्पेनिश सीखिए, फ्रेंच सीखिए. अपने भारत में बहुत सारी दूसरी दूसरी भाषाएं हैं, मराठी है, तेलुगु है, तमिल है, कुछ आपको सीखने गुजराती है, कुछ सीखना है तो आप वो सीख सकती हैं. इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, संस्कृत है, प्राकृत है, इसमें अगर आपको करना वो सीख सकती हैं. तो आप अगर लैंग्वेज सीखती हैं तो आपके बच्चे को वो आता है. जो लैंग्वेज आपको आता है उसमें आप अगर अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाती है, अपने नॉलेज को लैंग्वेज में बढ़ाती है, वो भी बच्चा आपका सीखता है. तो उसके लिए आपको बहुत रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और क्या चीज को, गुड स्क्रिप्चर, बिकॉज से आपको डबल एडवांटेज मिलेगा, अच्छे वैल्यूज भी बच्चे को जाएंगे. राइट, तो कैसा लिटरेचर आपको सीख पढ़ना है, जो वैल्यूज आप बच्चे में डालना चाहती हैं. जैसे रानी मदरसा थी तो उन्होंने क्या डाला था, शिवाजी महाराज थे, शिवाजी महाराज की माँ जो थी जीजाबाई, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उन्होंने डिसाइड कर लिया था ये जो बच्चा मेरे गर्भ से होने वाला है ये बहुत बड़ा क्षत्रिय होगा, बहुत बड़ा मतलब एक ब्रेव वीर पुरुष होने वाला है मेरे गर्भ से. तो पूरा 9 महीना उन्होंने क्या किया, 9 महीना उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वीर चीजों को किया, वीर, वीरता भरी चीजें. तो अगर आप अपने बच्चे को वीर बनाना चाहती हैं तो वीरता की कहानी सुनाइए. आप अपने बच्चे को बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनाना चाहती है तो अलग अलग धीरूभाई अंबानी और ऐसे जितने भी अच्छे अच्छे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं उनके बारे में, उनकी कहानियां पढ़िए, उनके ऑटोबायोग्राफीज पढ़िए, वैसे स्क्रिप्चर्स पढ़िए, वैसे लिटरेचर पढ़िए. तो बच्चे में क्वालिटी भी जाएगा, साथ में आपके लिंग्विस्टिक स्किल्स भी डेवलप होंगे. 2 in 1 आपको बता रही हूँ, बिकॉज समय कम है, काम बहुत करना है, तो कुछ ऐसे शॉर्टकट्स भी लेने होंगे कि एक साथ 2-4 काम निकल जाए. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है अपने बच्चे के साथ गर्भ संवाद करना. आपका बच्चा आपकी हर बात को सुनता और समझता है. सुनता समझता क्या, आप जो इमोशंस और फीलिंग्स फील कर रही हैं उसको भी वो फील करता है, क्योंकि वो अलग नहीं है. वो जब तक आपके गर्भ में है आप और वो एक हो, यू आर वन. तो आप जो खा रहे हो वो खा रहा है, आप जो सोच रहे हो वो सोच रहा है, आप जो कर रहे हो वो कर रहा है. अगर आप पजल सॉल्व कर रहे हो तो वो भी पजल सॉल्व कर रहा है, आप भाषा सीख रहे हो तो भी भाषा सीख रहा है, अगर आप तलवारबाजी सीख रहे हो तो भी तलवारबाजी सीख रहा है. आप जो कर रहे हो वो आपसे अलग नहीं है. और अगर आप गॉसिप करने में लगे हो, अगर आप कुछ टाइम वेस्टिंग चीजें कर रहे हो तो वो भी वही कर रहा है. फिर दोष नहीं देना कि अरे मेरे बच्चे में क्या हो गया, कैसा हो गया, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था. अरे सोचा नहीं था लेकिन किया ना, ऐसा क्यों किया 9 महीने में, बाद में कर लेते थे. 9 महीने में नहीं करना. और मैं एक बात बोलूं, बाद में आप करोगे भी नहीं, वो 9 महीना आपको बदल देगा, बदल देगा. आप 9 महीने पहले जो थी, अगर ये 9 महीने का पीरियड कोई माँ सही तरीके से जीती है तो ये 9 महीने प्री एंड पोस्ट वो सेम नहीं रहती, वो बदल जाती है. क्योंकि 9 महीने जो बच्चे के लिए जो इतनी मेहनत करती है ना, उस मेहनत में बच्चा तो, बच्चे का तो संस्कार हो ही रहा है, साथ में आपका भी संस्कार हो रहा है. जब एक बच्चा बॉर्न होता है तो सिर्फ बच्चा बॉर्न नहीं होता, उस बच्चे के साथ में एक माँ भी बॉर्न होती है, माँ का भी एक नया जीवन आता है. तो गर्भ संवाद बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको दिन में थोड़ा समय निकाल के सिर्फ आप और आपका बच्चा बातें कीजिए एक दूसरे के साथ. दिवाली है तो बच्चे को बताइए कि जानते हो आज दिवाली है, आज क्या करते हैं, आज कैसा करते हैं, आपके कोई रिलेटिव है
दादी है, दादा है, उनके बारे में बताया कि पता ही आपकी दादी है, कितना प्यार करती है आपको, कितनी एक्साइटेड है आपके लिए, क्या क्या तैयारियां कर रही है, ऐसा वैसा जो आप चाहते हो वो सारी कहानियां सुनाओ, बातें करो, प्रॉपर बातें करो, टॉक टू द चाइल्ड, द चाइल्ड विल रिस्पॉन्ड। वो मूवी भी थी ना ऑल इज वेल, उसमें वो किक करता था ना, किक करता था बच्चा, तो वो एक्चुअल बात है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मूवी, इट्स अ ट्रुथ, बच्चा रिस्पॉन्ड करता है। नेक्स्ट, म्यूजिकल स्किल्स। तो अगर आपको म्यूजिकल स्किल डालना है बच्चे में, तो स्टार्ट लर्निंग और प्रैक्टिसिंग वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, स्पेंड टाइम इन लिसनिंग टू सॉफ्ट सूदिंग पीसफुल म्यूजिक एंड सिंगिंग। गर्भ संस्कार के बहुत अच्छे म्यूजिक अवेलेबल हैं। मैं चाहूंगी आप लोग सब नेट से फ्रीली अवेलेबल भी होते हैं या फिर बहुत नॉमिनल से कॉस्ट में मिलेंगे, 200-400 रुपए में। आप लोग सब गर्भ संस्कार की म्यूजिक अपने मोबाइल में रखो एंड लिसन टू इट फॉर सम टाइम, सोने के पहले, उठने के बाद, मतलब जब जब फ्री माइंड हो या कुछ कर रहे हो तो म्यूजिक लगा दिया, उसके साथ में आप अपनी मंत्र चैंटिंग कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, जो भी, बहुत सारी आपको एक्टिविटीज देने वाले हो, टेंशन मत लो, एक लंबी लिस्ट है मेरे पास में जो आपको एक्टिविटीज रोज करनी है और उसको मैं ट्रैक करूंगी, आपको मुझे सबमिट करना है, ये सब करने को रेडी हो तो मैं इतनी मेहनत करूं आपके साथ। थम्स अप दिखाइए मुझे अगर आप लोग रेडी हो तो, थम्स अप दिखाइए, चैट बॉक्स में डालिए थम्स अप कि यस वी आर रेडी, प्लीज डालिए, तब तो मेहनत करूं, नहीं तो फायदा क्या, इतना लेक्चर दूंगी बस यूट्यूब में लेक्चर चला जाएगा और कहानी खत्म हो जाएगी। कहानी तो तब मजा आएगा जब वो रिजल्ट मिलेगा उसका हमें, व्हेन वी गेट द रिजल्ट्स, ठीक है। एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब बहुत सारे विशारद हैं, बहुत सारे विशारद हैं जिन्होंने जिन्होंने पाया, जिन जिन्होंने ये गर्भ में उनकी माताओं ने म्यूजिक सुना, वो इंस्ट्रूमेंट सुना, और जब वो पैदा हुए तो जब वो पैदा हुए तो वो एक लेवल पे पैदा हुए, उन्हें सारे गामा सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, वो काफी लेवल ऊपर थे बिकॉज गर्भ में ही उनका सारा लर्निंग हो गया था। चौथा, स्पेशल स्किल्स। स्पेशल स्किल्स कैन बी इंफ्यूज्ड बाय एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज थ्रू ड्राइंग, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग मैप्स, क्रिएटिंग 3D डायमेंशनल मॉडल्स विद ब्लॉक्स, एबिलिटी टू डिसाइफर मैप्स एंड फाइंडिंग द डिजायर्ड लोकेशंस इजीली। ड्राइंग, पेंटिंग, ब्लॉक्स, लेगो ब्लॉक्स वगैरह आते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं जिनको अगर आप करेंगे तो आपका के वीबी बेसिकली स्पेशल स्किल इज विजुअलाइजेशन स्किल्स। हमारे सारे डिफरेंट डिफरेंट ना सेंस ऑर्गन से रिलेटेड है, म्यूजिकल स्किल्स हमारे हियरिंग से रिलेटेड है, स्पेशल स्किल्स हमारे विजुअलाइजेशन से रिलेटेड है, तो हमको अपनी विजुअल स्किल्स को डेवलप करना है, ड्राइंग करना है, पेंटिंग करना है, 3D मॉडल्स बनाने हैं, ये सब जब हम करेंगे, मैप्स है तो मैप्स को रीड करके हमको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, तो हमारा जो स्किल्स है वो इम्प्रूव होगा। So these skills together help the overall development of the brain and leads to the increase in the IQ of the fetus. आपका जो बच्चा आपके गर्भ में है, उसकी IQ को वो इम्प्रूव करता है। ये बहुत सारे रिसर्च रिपोर्ट्स है, कुछ ही डाली हूँ, असंख्य है जो बताते हैं कि किस तरह से IQ स्किल्स डेवलप हुई है गर्भ में, कि बच्चे में बच्चा सुन रहा है, हियरिंग एंड लिसनिंग इन द वूम, बेबीज लर्न टू रिकॉग्नाइज वर्ड्स इन द वूम, नेबर्स थीम लर्न इन द वूम। एक सीरियल चलता था नेबर्स अब्रॉड में कहीं पे, तो बीबीसी में वो सीरियल आता था, तो माँ को बहुत पसंद था, वो रोज वो सीरियल देखती थी, बच्चा जब पैदा हुआ तो पैदा होते उस सीरियल के साथ अपने आप को रिलेट कर पाया, वो पहचान गया उस सीरियल को, उसे पता था वो कौन सा सीरियल है, उसकी धुन पहचानता था, उसके कैरेक्टर्स को पहचानता था, वो सब पहचानता था। तो ये तो हुई सीरियल की बात, बट मैं चाहूंगी कि आप लोग स्क्रिप्चर्स को सुने, श्लोक को सुने, ताकि आपका बच्चा, एक बहुत सुंदर वीडियो सर्कुलेट हुआ था, मैं ग्रुप में डालूंगी, आई विल पोस्ट इट इन द ग्रुप, जहां पे बच्चे को, छोटा सा बच्चा है मेरे ख्याल से 5-6 महीने का भी नहीं होगा, श्लोक सुनाए जा रहा है और वो बच्चा श्लोक को कंप्लीट कर रहा है खुद ही, जबकि उसको बोलना तक नहीं आता, लेकिन कोशिश करके, हूं-हां करके उस श्लोक के वर्ड्स को कंप्लीट कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी माँ ने 9 महीने वो श्लोक की चैंटिंग की थी, उस बच्चे को इतने अच्छे से आ गया। नेक्स्ट, अब हम सोचेंगे कि IQ तो मेरे बच्चे का डेवलप हो गया, बट क्या IQ गारंटी करेगा लॉन्ग टर्म होलिस्टिक सक्सेस?
सिर्फ आईक्यू कंप्लीट है, अगर मेरे बच्चे का मैंने बहुत अच्छा आईक्यू कर लिया, वर्बल, स्पेशल, म्यूजिकल, लॉजिकल स्किल्स डेवलप कर दिए, तो एम आई डन? नो। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहती है कि सक्सेस और आईक्यू का जीरो या नेगेटिव कोरिलेशन है, यानी कि आईक्यू हाई हो ये कोई गारंटी नहीं है कि बच्चा सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब आईक्यू की जरूरत नहीं है? नो। आईक्यू की जरूरत है क्योंकि हमको स्किल्स तो चाहिए। हमको अगर म्यूजिशियन बनना है तो म्यूजिकल स्किल्स चाहिए, कंप्यूटर का एक्सपर्ट बनना है तो हमको कंप्यूटिंग नॉलेज चाहिए, प्रोग्रामिंग नॉलेज चाहिए, साइंटिस्ट बनना है तो हमको साइंस की नॉलेज चाहिए, आर्किटेक्ट बनना है तो हमको वो आना चाहिए कि भाई किस तरह से ड्राइंग्स बनते हैं, किस तरह से बिल्डिंगें बनती हैं, क्या होता है, तो डोमेन नॉलेज तो हमें चाहिए। लेकिन ये डोमेन नॉलेज का एक एंट्री लेवल रिक्वायरमेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ इंश्योर करेगा कि मैं ये काम कर सकूं, वो सिर्फ और सिर्फ मुझे एक परफॉर्मर बनाएगा। लेकिन मैं उसमें एक्सेल करूंगी कि नहीं करूंगी, मैं बहुत अमेजिंग होंगी कि नहीं होंगी, वो गारंटी नहीं करेगा। तो वो गारंटी कौन करता है कि मैं उसमें एक्सेल करूंगी? वो गारंटी ईक्यू करता है, इमोशनल इंटेलिजेंस। एक कंपनी में जब रिक्रूटमेंट होती है तो कैंपस से रिक्रूट किया जाता है, तो ऑलमोस्ट एक ही इंटेलिजेंस के सारे बच्चों को रिक्रूट किया जाता है, जिसके मार्क्स मोटा मोटी सेम है, जिनकी टेक्निकल नो हाउ मोटा मोटी सेम है, बट उस ऑर्गेनाइजेशन में जाने के बाद एक बहुत फास्ट प्रमोट होता है और एक स्लो होता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है ये ईक्यू। सो ईक्यू का है, ईक्यू है एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड टू द इमोशंस ऑफ सेल्फ एज वेल एज अदर्स। इमोशंस को समझना, ध्यान से सुनिए, इमोशंस को समझ, क्यों ध्यान से सुनिए, बिकॉज ये सब आपको करना है। बच्चे में तो ईक्यू आता रहेगा, पहले ईक्यू आप में आना है फिर बच्चे में जाना है, क्लियर रखिए आप। अगर ये 9 महीने आपका ईक्यू फेल हुआ तो बच्चे का ईक्यू फेल होना ही है। तो पहले आपको अपना ईक्यू तगड़ा करना है। अगर आप सर्वगुण संपन्न शिशु चाहती हैं तो पहले आपको सर्वगुण संपन्न बनना पड़ेगा, राइट? तो पहले आपको ईक्यू अच्छा करना है। तो ईक्यू कैसे अच्छा होगा? जब आप इमोशंस को अच्छे से समझ पाओगे और समझ के रिस्पॉन्ड कर पाओगे, खुद के भी और दूसरों के भी। अ पर्सन विद गुड ईक्यू हैज कंप्लीट अवेयरनेस ऑफ देयर ओन इमोशंस एज वेल एज दैट ऑफ अदर्स एंड दे आर एबल टू रिस्पॉन्ड टुवर्ड्स इट। ईक्यू इज कंसर्न विद आर फीलिंग्स एंड इमोशन। पीक्यू वॉज डीलिंग विथ डूइंग, आईक्यू थिंकिंग, ईक्यू फीलिंग। समझिए हम कैसे एक एक लेवल बढ़ते जा रहे हैं, डूइंग, थिंकिंग, फीलिंग। ईक्यू डील्स विथ इंट्रापर्सनल रेस्पॉन्ड, नोइंग एंड रिस्पॉन्डिंग टूवर्ड्स योर ओन फीलिंग, इंट्रापर्सनल, नोइंग एंड रिस्पॉन्डिंग टूवर्ड्स फीलिंग ऑफ अदर्स, इंटरपर्सनल। लेकिन भगवान कहते हैं पूरी सृष्टि मेरी है, तो यू शुड नो एंड रिस्पॉन्ड टुवर्ड्स द फीलिंग ऑफ ईच एंड एवरी लिविंग थिंग। सो नेचर, व्हेन यू आर एबल टू नो एंड रिस्पॉन्ड टुवर्ड्स नेचर एज वेल, सो दैट इज नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। सो इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस फॉर्म्स ईक्यू। सो फैक्टर्स लीडिंग टू हाई ईक्यू इज सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, एम्पैथी, सोशल स्किल्स। These people exhibit and express their feelings clearly and directly. ऐसे लोग अपने मन में महसूस के नहीं रहते हैं, क्लियरली अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, भाई ये अच्छी लगी है, नहीं अच्छी लगी, स्पष्ट होते हैं। अब ईक्यू क्या करता है? ईक्यू सेपरेट्स द स्टार प्लेयर फ्रॉम द एवरेज वन। जैसा कि मैंने कहा, आईक्यू आपको परफॉर्मर बनाता है और ईक्यू क्या करता है? ईक्यू आपको स्टार परफॉर्मर बनाता है। तो अगर आपको अपने बच्चे को परफॉर्मर बनाना है तो आईक्यू अच्छा कीजिए, स्टार परफॉर्मर बनाना है तो फिर ईक्यू अच्छा कीजिए। क्यों? अभी ये सारे रिसर्च डेटा है, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रही हूं, दीज आर ऑल पब्लिश्ड रिसर्च डेटा। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के फील्ड में जो टॉप 10% के जो परफॉर्मर्स है वो 320% ज्यादा इफेक्टिव है एवरेज से, एंड टॉप 1% इज 1272%, 1272% मोर इफेक्टिव।
सेल्स की फील्ड में जो टॉप परफॉर्मर है वो एवरेज से 88 टाइम्स ज्यादा सैलरी ड्रॉ करते हैं। सो द वैल्यू ऑफ टॉप परफॉर्मर्स इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ जॉब। फॉर सिंपल क्लरिकल जॉब, टॉप 1% गेट्स 3%, 3 टाइम्स मोर देन द बॉटम 1% परफॉर्मर। फॉर मीडियम कॉम्प्लेक्सिटी 12 टाइम्स, एंड एकदम जो हाई कॉम्प्लेक्सिटी जॉब्स होते हैं, जो हाई लेवल, एकदम हाई लेवल मैनेजेरियल, बिल्कुल जो टॉप बॉस पोजीशन के, सीईओ पोजीशन के जॉब होते हैं, उनको 127 टाइम्स ज्यादा उनकी वैल्यू होती है, उनकी सैलरीज होती है, उनके पर्क्स होते हैं। तो आप समझ सकते हो कि अगर ईक्यू को हम मॉनेटरी रूप में ट्रांसलेट करें तो भी कितना हाई ये दिख रहा है। सो ईक्यू मेक्स यू अ स्टार परफॉर्मर, आईक्यू मेड यू अ परफॉर्मर, बिकॉज उसने सिखाया आपको करना क्या है। लेकिन सिर्फ करना आने से नहीं होना है, करना आने के साथ में आप में इंटरपर्सनल नेचुरलिस्टिक स्किल्स अच्छे होने चाहिए, ताकि आपकी ईक्यू अच्छी और आप स्टार परफॉर्मर बन सको। तो अब आप अपने बच्चे की ईक्यू कैसे बढ़ा सकते हो? सबसे पहले इंट्रापर्सनल स्किल्स। द चाइल्ड इन द वूम इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द इमोशंस ऑफ द मदर। सो व्हेन द मदर इज एबल टू कनेक्ट वेल विथ हर ओन इमोशंस एंड इज एबल टू रेगुलेट इट, देन इट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द इंट्रापर्सनल स्किल्स ऑफ द अनबॉर्न। समझ में आया आपको? आपको खुद को अपनी इंट्रापर्सनल स्किल्स इंप्रूव करनी है। अब प्लीज वो बोलना छोड़ दीजिए, क्या करे, प्रेगनेंसी में मूड स्विंग होता है, हार्मोनल इंबैलेंस होता है, प्लीज ये सब फालतू की बातें। आई अग्री ये सब होता है, बट आप में उतनी कैपेबिलिटी है कि आप उसको हैंडल कर सकते हो। और जो महिलाएं, जो माताएं उसको हैंडल नहीं करती हैं, वो क्योंकि वो हैंडल नहीं करना चाहती हैं, वो उस तरह का अटेंशन ग्रैब करना चाहती, सिंपल सी बात, बिकॉज हम भी प्रेग्नेंट हुए हैं और बहुत सारे प्रेगनेंसी के केसेस को हमने सामने से देखा है, एंड वी कैन टोटली अंडरस्टैंड कि ये जो मूड स्विंग्स है ना, वो आप, मतलब ये नहीं कि आता नहीं है, आता है, बट आप अगर चाहो तो आप उसको मैनेज कर सकते हो, आप उसको हैंडल कर सकते हो। और आपको हैंडल करना होगा, क्योंकि आप बोलोगे क्या करूं, मेरा तो एकदम मूड बिल्कुल अभी लो रखा है, मुझे तो बहुत चिड़चिड़ लग रही है, और मुझे तो बहुत चीखने चिल्लाने की कुछ इच्छा हो रही है, और मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। तो ठीक है, करिए गुस्सा, तो वही आपके बच्चे में जाएगा। आपका इंट्रापर्सनल स्किल्स 0/0 है, आप रेगुलेट ही नहीं कर पा रहे हो अपने इमोशंस को। भाई आ रहा है तो उसको चैनलाइज करके आप ठीक करिए ना, आप ही का इमोशन है, किसी और का तो है नहीं, ठीक करिए उसको। बिकॉज अगर आप अपने इंट्रापर्सनल स्किल्स को नहीं ठीक रखेंगी, अपनी इमोशंस को ठीक नहीं रखेंगी, और मूड स्विंग्स रखेंगी, कभी गुस्सा कर रही हैं, कभी चिड़चिड़ कर रही हैं, कभी नाराज हो रही हैं, कभी दुखी हो रही हैं, फिर कभी सडनली बहुत खुश हो जा रही हैं, नहीं चलेगा ऐसा। आपका बच्चा कंफ्यूज रहेगा कि हो क्या रहा है, एंड वो सोचेगा कि ऐसा ही होता है, वो वैसा ही सीख जाएगा, उसकी ब्रेन में वायरिंग सारी वैसी ही हो जाएगी। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर मूड स्विंग्स। इट इज टफ इन प्रेगनेंसी, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल, इट इज टोटली पॉसिबल, और आपको करना पड़ेगा। अब वो सब चलेगा नहीं, मेरा मूड खराब है, मेरा ये खराब है, मेरा प्लीज नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलेगा। गर्भ संस्कार में आप अगर बैठे हो और बच्चे को संस्कार देना चाहते हो, तो फर्स्ट संस्कार आपका है कि आपको ये सब चीजों को अपनी लाइफ से माइनस करना है। शकुंतला के बारे में आपने सुना होगा कि राजा दुष्यंत ने उनको त्याग दिया था प्रेगनेंसी के टाइम पे, उसके बावजूद भी उन्होंने किसको जन्म दिया, किसको जन्म दिया, भरत, चक्रवर्ती राजा, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम है। तो वो तो सोचा सकते थे, अरे मेरे पति ने मेरे को छोड़ दिया, कहां मैं महारानी थी, कहां जंगल में आ गई, माँ सीता, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने अपनी पत्नी को त्याग दिया, कब, गर्भावस्था में, फिर भी उन्होंने किसको जन्म दिया, लव और कुश जी को जन्म दिया उन्होंने। इतनी महान आत्मा है, वो भी तो सोचता है क्या करूं, पहले तो 14 साल का वनवास हुआ, फिर वापस आई तो पति ने त्याग दिया, वो भी तो दुखी हो सकती थी, अपने मूड स्विंग्स को ला सकती थी, बहुत कुछ कर सकती थी, बट क्या किया उन्होंने, नहीं, दे टुक चार्ज ऑफ द सिचुएशन। उन्होंने क्या सोचा, अभी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे गर्भ में मेरा जो बच्चा है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए अब मुझे सब छोड़ना होगा। वो आश्रम में रही, और आश्रम में रहकर उन्होंने अपने गर्भस्थ शिशु को वो सारी क्वालिटीज दी जिससे वो इतने तेजस्वी राजा
बन सके। तो ये इंट्रापर्सनल स्किल। फिर इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल स्किल्स कि जब जो मदर है वो हेल्दी रिलेशंस क्रिएट करती है एक दूसरे के साथ, कैसे, थ्रू फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड एंड अनकंडीशनल लव। मैंने सारी बातें बहुत डिटेल में इमोशनल वेलबींग, जो गर्भ संस्कार के बिगनर्स कोर्स में इमोशनल वेलबींग का मॉड्यूल है उसमें पूरा डिस्कस किया है। फॉरगिवनेस क्या है, ग्रैटिट्यूड क्या, अनकंडीशनल लव क्या है, आपको ये सब चीज करनी होंगी। भाई सासू माँ ने डांट दिया और हम नाराज होके बैठ गए, नहीं चलेगा। अभी डांट दिया वो उनकी बात थी, उन्होंने डांट दिया, बट आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, फिल्टर करना कि भाई अब जो इसका दुख जो है वो मैं 9 महीने बाद दिमाग में लाऊंगी जब बच्चा बाहर आ जाएगा। अभी आपको अपने सारे दुख दर्द को ना पोस्टपोन्ड करना पड़ेगा। प्लीज एक प्रॉमिस तो आज आप मुझसे ये कीजिए कि अपने सारे दुख दर्द को आप पोस्टपोन्ड कीजिए, फास्ट ट्रैक में डाली पोस्टपोन्ड करें कि एक डेट डाल दीजिए, भाई ये मेरी डिलीवरी डेट है, इसके इतने दिनों बाद मैं ये पूरी लिस्ट है ये सब लिस्ट पर डील करूंगी। भाई सासू माँ ने क्या बोला, पति देव ने क्या बोला, ननद क्या बोल के चली गई, मम्मी पापा ने क्या ध्यान दिया या नहीं दिया, किसने क्या कर दिया, है ना, आपकी क्या इच्छाओं की पूर्ति हो पाई नहीं हो पाई, सारी लिस्ट बना के रखिए, सबको 9 महीने बाद डील कीजिए। अभी तो आपको सिर्फ एक सिंगल माइंड फोकस रखना है, वो है आपका बच्चा आपके अंदर है। अभी कोई भी आप नेगेटिव इमोशंस या फीलिंग्स को अपने अंदर नहीं ला सकती हैं, क्योंकि अगर आप वो नेगेटिव इमोशन और फीलिंग को अगर अपने अंदर में लेके आएंगी तो नुकसान आपका ही है, क्योंकि आपका बच्चा फिर वही फीलिंग्स के साथ में बॉर्न होगा। Naturalistic, when the show of empathy and concern is not limited to human race but covers the entire creation of the universe, plants and animals, तब आप naturalistic skill को डालती हैं। तो कैसे डाल सकती हैं naturalistic skills को, pets के साथ आप समय बिता सकती हैं अगर आपको pets का शौक है तो, आप बागवानी कर सकती हैं, plants उगा सकती हैं, garden में जा सकती हैं, nature के साथ समय बिता सकती हैं, connect with nature, आप जितना nature के साथ connected होंगी आपका naturalistic skills उतना improve होगा। So, EQ अगर आपको अपने बच्चे का इंप्रूव करना है तो इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, नेचुरलिस्टिक, ये तीनों स्किल्स को आपको इंप्रूव करना होगा। द एक्सप्रेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी टुवर्ड्स वनसेल्फ, फेलो ह्यूमन बीइंग्स एंड द वर्ल्ड अराउंड अस इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्रीजेस द EQ ऑफ द अनबॉर्न इन द वूम इटसेल्फ। सो इज EQ द अल्टीमेट आंसर? क्या अब आप EQ भी पूरा कर लेंगे तो आपका बच्चा सर्वगुण संपन्न हो जाएगा? हो जाएगा नहीं, EQ इज नॉट द अल्टीमेट आंसर, क्योंकि हार्वर्ड की वापस से अभी एक रिसर्च आई है जो कहती है कि बर्नआउट मींस मतलब एक लेवल पे पहुंच के बिल्कुल टूट के खत्म हो जाना, वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। आपने कैफे कॉफी डे के CEO के बारे में सुना होगा, उन्होंने सुसाइड कर ली। ऐसे कई व्यक्तित्व के बारे में हम जानते हैं जो अपने करियर के पीक में पहुंच के बर्बाद हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ बर्नआउट। वो अपने सक्सेस को हैंडल नहीं कर पाते हैं, वो सक्सेस की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो आप क्या चाहोगे कि आपके बच्चे में भी वो हो? नहीं, तो हमको नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना होगा। इनफैक्ट WHO ने ऑफिशियली बर्नआउट को अपने 11th रिविजन ऑफ द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस ICD-11 में इंक्लूड कर दिया है। और WHO एस्टिमेट कर रहा है कि 1 trillion लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी पर ईयर होती है बिकॉज ऑफ एम्प्लॉय बर्नआउट। मतलब सोचो कि बर्नआउट कितना बढ़ता जा रहा है। तो क्या कारण है इसका? बर्नआउट कंडीशंस हैज लेड टू इंक्रीजिंग स्ट्रेस, पुअर हेल्थ, मेंटल ब्रेकडाउन, डिस्टर्ब्ड वर्क लाइफ बैलेंस, ब्रेकिंग रिलेशनशिप एंड एक्सट्रीम केसेस लीडिंग टू सुसाइड्स। सुसाइड्स बढ़ते जा रहे हैं, डिवोर्स बढ़ता जा रहा है, कैंसर बढ़ता जा रहा है, हार्ट अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं, ब्रेन फेलियर्स बढ़ता जा रहा है। वो सब के पीछे जो कारण है वो सिर्फ और सिर्फ बर्नआउट है। तो क्यों है ये बर्नआउट?
बिकॉज ईक्यू की लिमिटेशंस है। ईक्यू हमको एक लेवल तक पहुंचा दिया है, हमको एक स्टार परफॉर्मर बना दिया है, बट ईक्यू में वो ताकत नहीं है कि हमारे उस लेवल को मेंटेन कर सके, ईक्यू में ताकत नहीं है उसको कंट्रोल कर सके। तो क्या होता है, हम एक डायमंड की तरह है। डायमंड को देखा आपने, उसमें धूल मिट्टी जम गई है, तो धूल मिट्टी जम गई तो हम क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर एक वार्निश की कोटिंग लगा दे रहे हैं। हमें आइडियली क्या करना चाहिए था, धूल मिट्टी को पोंछ देना चाहिए था ताकि हमारा जो रियल अस्तित्व है वो हमें वापस प्राप्त हो सके, बट हमने उसकी जगह क्या किया, हमने उसकी जगह उस पर वार्निश की कोटिंग कर दी। तो वार्निश की कोटिंग करने से क्या हुआ, एक चमक तो आई, लेकिन वो चमक कैसी थी, झूठी चमक। वो चमक ज्यादा दिन चल सकती है क्या, नहीं चल सकती, वार्निश तो फेड ऑफ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो चमक ज्यादा दिन नहीं चलेगी। तो सेम हमारा रियल सेल्फ है, और हम में बहुत सारी नेगेटिविटीज आ रही है, स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन हो रही है, रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, हम उसको हैंडल करने की जगह उस पर एक आवरण डाल दे रहे हैं, वार्निश लगा दे रहे हैं। सो ईक्यू क्या कर रहा है, ईक्यू हाउ पे फोकस कर रहा है बट वाई पे फोकस नहीं कर रहा है। ईक्यू क्या कर रहा है कि मुझे इमोशंस को रिस्पॉन्ड करना है, हाउ टू रिस्पॉन्ड टू इमोशंस, बट वाई आई एम फीलिंग दैट, मुझे गुस्सा आ रहा है तो क्यों आ रहा है, वो क्यों पे ईक्यू फोकस नहीं करता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, रूट कॉज पे ईक्यू नहीं जा रहा है, इट डील्स विद परसेप्शन रादर देन ट्रू फीलिंग्स, वो हमारी रियल फीलिंग्स को नहीं डील कर रहा है। इट इज नॉट रिजॉल्विंग बट रिस्पॉन्डिंग, वो रिस्पॉन्ड कर रहा है बट रिजॉल्व नहीं कर रहा है, वो खाली रिस्पॉन्ड कर रहा है बट उसको ठीक नहीं कर रहा है। गुस्सा आ रहा है तो खाली गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा नहीं करना है, टेक डीप थ्री ब्रेथ्स एंड फेक योर सेल्फ, बस ऊपरी ऊपरी ना करो गुस्सा। लेकिन वो गुस्सा क्या हुआ, बाहर हमने तो रिलीज नहीं किया बट वो अंदर चला गया, अंदर जाके वो क्या कर रहा है, बर्नआउट, बीमारियां पैदा कर रहा है, स्ट्रेस पैदा कर रहा है, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस लेके आ रहा है, रिलेशनशिप डिस्टर्ब कर रहा है, सब कुछ को खराब कर रहा है क्योंकि वो अंदर चला गया है। बट हमें क्या करना है, हमें उसका कारण जान के जड़ से ठीक करना है उसको। सो व्हाट हैपेंस, हम इतने इमोशंस को चेंज नहीं कर रहे, खाली विंडो ड्रेसिंग कर रहे हैं, ऊपरी ऊपरी लेवल पे हम उसे खाली ठीक कर रहे हैं। सो फॉर रिस्पॉन्डिंग अप्रोप्रिएटली वी टेंड टू मैनिपुलेट और फेक एक्सटर्नल बिहेवियर। So, ये लिमिटेशंस है ईक्यू की। तो अब हमें क्या करना है, हमें अपने नेक्स्ट लेवल पे जाना है, वो लेवल है एसक्यू, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस क्या है, इट लिव्स इन अलाइनमेंट विद द रियल सेल्फ, फोकसिंग ऑन हु यू रियली आर। मैं एक पर्सन हूँ, दुनिया में हूँ, इस दुनिया में माया है, नेचुरली माया के कारण मेरे ऊपर नेगेटिविटी तो आएगी आएगी। अगर मैं बोलूंगी भाई मेरे अंदर नेगेटिविटी नहीं आ रही है तो वो तो बिल्कुल गलत है, मुझसे बड़ा झूठा कोई इंसान हो नहीं सकता। तो नेगेटिविटी तो आनी ही आनी है, लेकिन लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है कि नेगेटिविटी आएगी बट मैं उसको पहुंचती जाऊं और हमेशा अपने रियल सेल्फ से जुड़ी रहूं, ना कि उसके ऊपर वार्निश की कोटिंग लगा के मैं फेक आउट करूं। सो इट फोकसेस ऑन रिजॉल्विंग बट एंड नॉट जस्ट रिस्पॉन्डिंग, वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, वो रिजॉल्व करता है। एसक्यू, इट फोकसेस ऑन द कॉज ऑफ इमोशन वाई एंड हेल्प स्टेज इट अकॉर्डिंगली। इट मेक्स अस अंडरस्टैंड द रियल कॉज ऑफ एनी इमोशन इज इंटरनल। कुछ भी हो रहा है, मुझे अगर गुस्सा आ रहा है तो अंदर है, मेरे अंदर में कुछ बात है, उससे हो रहा है, बाहर तो सिर्फ बोलते निमित्त मात्र है, बाहर सिर्फ मीडियम है, रियल मेरा अंदर है। जो चेंज करना है, जो बदलना है, मुझे अंदर से अपने आप को बदलना होगा। इट नॉट ओनली यूजेस द ब्रेन बट ऑल्सो समथिंग बियॉन्ड आर कॉन्शियसनेस। एसक्यू डील्स विद आर कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना के साथ जुड़ा है। एसक्यू चेतना के साथ जुड़ा है। ईक्यू तक हम ब्रेन बुद्धिजीवी रहते हैं हम ईक्यू तक, क्योंकि बुद्धि से ब्रेन से हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, बट एसक्यू के लेवल जब हम जाते हैं, जब हम स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के लेवल पे जाते हैं, तो हमारी चेतना का उत्थान होता है, हमारी चेतना बढ़ती है।
So, seeing the original cause and dissolving it at the core is the territory of spiritual intelligence. So, spiritual intelligence jo hai, it actually is the intelligence of the soul. It allows you to understand the true cause of behavior without judgment and to serve the needs of others until they themselves learn to meet their own needs. So, spiritual intelligence kya? It is the intelligence of the soul. ये हमारी आत्मा की इंटेलिजेंस है. तो सोचिए आप कहां से कहां पहुंच गए. पीक्यू में शरीर की इंटेलिजेंस से आप एसक्यू में आत्मा की इंटेलिजेंस तक पहुंच गए. तो शरीर से लेकर आत्मा तक की जो इंटेलिजेंस है, ये हमारी 9 इंटेलिजेंसेस है जो हमें अपने बच्चे में डालनी है. स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू बिहेव विद विजडम एंड कंपैशन, मेंटेनिंग द इनर एंड आउटर पीस रिगार्डलेस ऑफ सिचुएशन. सत चित्त आनंद की अवस्था को प्राप्त करना एसक्यू है. बहुत ज्यादा हाईफाई भाषा में कुछ एसक्यू के बारे में स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की बात करने की आवश्यकता नहीं है. अगर आप हर सिचुएशन में खुशी हो चाहे दुख हो, अपने ना मेरी भावना में खुशी में सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे, तो बस यही है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस कि सुख में फूलो नहीं और दुख में घबराओ नहीं. हर सिचुएशन में अगर आपका समभाव रहता है तो आप स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट हो. तो सासू माँ ने आके बहुत बड़ाई कर दी, बोल दिया अरे वाह कितनी अच्छी कितना वो कर रही हो, मैं बहुत खुश हो गई, या कुछ दो बातें डांट दी और मैं दुखी हो गई, तो भैया आपका एसक्यू 0/0. आप ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना अपने बच्चे से. बट सासू माँ ने डांटा तो भी आप अपना संभाव रखे कि हाँ मम्मी जी थैंक यू, और डांटा भी तो भी आपने संभाव रखा कि भाई कुछ गलती होगी, कोई बात नहीं बड़े हैं ठीक कर लूंगी. तो आपका संभाव रहा, तो आपका एसक्यू अच्छा रहा, तो आपके बच्चे का एसक्यू अच्छा होगा. समझ रहे हैं आप? तो ये सारा होमवर्क आपका है. आप सोचो सर्वगुण संपन्न अपने बच्चे को बना दू बस सारा काम उसका, ऐसा नहीं है. पहले मेहनत आपको करनी है, बहुत मेहनत लगती है. ये जो 9 महीने का पीरियड है ना, मैं बता रही हूं डंके की चोट पे, और सही में जैसा मैं बोल रही हूं अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप ऐसे बच्चे को जन्म दोगे ना, आपको जीवन भर सोचने की आवश्यकता नहीं है. ये 9 महीना आप उसको दे दो, बाकी आपका पूरा जीवन वो आपको देगा. बता रही हूं मैं आपको, बता रही हूं. ऐसा बच्चा बॉर्न होगा कि छोटे से एज में ही आपको सपोर्ट करना शुरू कर, आपके सारे काम वो कर डालेगा. अभी आपको लगे से कई बार होता है, सब बोलते हैं भाई हम क्या करें, वर्किंग मदर है, ये है वो है. मेरा कहना है वर्कलोड रिड्यूस कर लो. जैसे मेरा तो क्लियर था, मैं जिस दिन प्रेग्नेंट हुई मैं फुल फ्लेज्ड वर्किंग थी. मैंने डाल दिया ईमेल की सॉरी आई एम नॉट अवेलेबल. एंड लिटरली मैंने अपने इनफैक्ट ई मेल बॉक्स को भी क्लोज करा दिया था. चलो वो तो मेरी खुद की कंपनी थी, सो आई कुड डू दैट. मे बी आप कहीं और काम करो तो आप ऐसा ना कर सको, बट एटलीस्ट आप अपने वर्कलोड को कम कर सकते हो, या फिर लगे तो छोड़ दो, एक साल बाद ज्वाइन कर लेना, क्या फर्क पड़ता है. मतलब वॉट आई मीन टू से कि ये 9 महीना अगर आप पूर्णता अपने बच्चे को दे दो बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के सही तरीके से, फिर तो पूरा जीवन क्या बोलूं आपके व्यारे न्यारे हैं. सच्ची बता रही हूँ. दे दो अपने बच्चे को 9 महीना अपना PQ, IQ, EQ, SQ, और ये 9 महीना बच्चे को जब दोगे तो आप भी इतने अमेजिंग हो जाओगे कि जब एक साल बाद आप वही ऑर्गेनाइज जाओगे ना, तो आपको 3 लेवल ऊपर आपको लगेगा, आपका डिमोशन हो जाएगा, अरे भैया डबल प्रमोशन मिलेगा आपको, आप इस लेवल पे जाओगे तो लोग ताजुब करेंगे, अरे बापरे क्या क्वालिटी हो गई आपकी, क्या आप में मैनेजमेंट स्किल्स आ गया, आपकी नॉलेज क्या बढ़ गई है, क्या लीडरशिप क्वालिटीज. मतलब आप अपना भी करोगे बच्चे का भी करोगे, बहुत अमेजिंग. तो मेरा सबसे कि प्लीज सांसारिक कार्यों को थोड़ा स्थगित कर दीजिए. जो अर्जेंट है, नहीं अर्जेंट नहीं सॉरी आई यूज द रॉन्ग वर्ड, जो इंपॉर्टेंट है मेक अ लिस्ट. क्या इंपॉर्टेंट है जिसके बिना नहीं चल सकता. भाई आपको अपने घर के लिए खाना पकाना है, भाई जरूरी है तो ठीक है, उसमें भी बात कर लो कि भैया इस समय ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करो, मैं बेसिक कर दूंगी. अब समझ रहे, मतलब व्हाट आई मीन टू से अपने अपना पूरा समय बच्चे को दो. क्योंकि ये बच्चा सिर्फ आपका बच्चा नहीं, ये बच्चा पूरे दुनिया का बच्चा है. आप एक बच्चे को पैदा करके माँ हो रही है, लेकिन वो बच्चा जो है पूरी दुनिया में क्या क्या करेगा, इस दुनिया में इतनी अच्छी अमेजिंग क्रिएशन करेगा. जब जीजाबाई ने शिवाजी को पैदा किया
तो शिवाजी ने क्या किया, क्या किया शिवाजी ने? भक्त प्रहलाद, ये तो बताना पड़ेगा, ये तो ज्वलंत एग्जाम्पल है एसक्यू का। भक्त प्रहलाद जो है वो किसके बच्चे हैं? एक दैत्य के, दानव के, हिरण्यकश्यप। और भक्त प्रहलाद जैसा कोई भक्त नहीं है, विष्णु जी के परम भक्त में भक्त प्रहलाद आते हैं। तो एक दानव के घर में भक्त कैसे पैदा हो गया? क्योंकि भक्त प्रहलाद की जो माँ थी, उन्होंने 9 महीने क्या किया, नारद मुनि के आश्रम में जाके वो रही। नारद मुनि के आश्रम में जाके रह के उन्होंने अपने गर्भ को इतने अच्छे संस्कार दिए कि जो दैत्य के जीन्स थे ना, वो जीन्स तक समाप्त हो गए। जीन्स का एक कण तक नहीं रहा। कहाँ हिरण्यकश्यप और कहाँ भक्त प्रहलाद, दोनों की कोई मैचिंग ही नहीं है, कोई मैचिंग ही नहीं है। कौन बोलेगा बाप बेटे हैं, पिता पुत्र हैं, कौन बोलेगा? जीन्स तक समाप्त कर दी उन्होंने, जीन्स तक समाप्त कर दी दैत्य वाली। ऐसी क्वालिटीज, ऐसा गुण डाला प्रहलाद जी की माँ ने। तो करिए वैसा, कुछ तो करिए, कुछ तो करिए, स्पेशल बनाइए अपने बच्चे को स्पेशल। तो एसक्यू फोकसेस ऑन हु एम आई, मैं कौन हूं, ट्रू ट्रू जो है, क्या पर्पज है मेरे जीवन का, क्यों आया हूं मैं यहाँ पे, क्या करने आया हूं। तो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस इज होलिस्टिक, इट इज अल्टीमेट। तो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जो है वो क्या होता है, बिल्डअप होता है। आप बोलेंगे ठीक है मैं काम करती हूँ, मैं सिर्फ स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस पे फोकस करती हूँ, बाकी सब पे क्यों दिमाग लगाऊं, क्या फिजिकल, क्या इंटेलेक्चुअल, क्या इमोशनल, मैं तो सिर्फ टॉप नॉच पे जाऊंगी और वो है एसक्यू। तो मैडम जी वैसा नहीं चलेगा, मेहनत तो बेस से ही करनी पड़ेगी। सबसे पहले दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक्स, द फर्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक इज पीक्यू। अगर शरीर ही आपका स्लेव बन के रहा, आपका मतलब शरीर ही आपको स्लेव बना दिया, आप शरीर के अधीन है, तो क्या आप करेंगी? सबसे पहले आपको कंट्रोल किस पे लाना है, बॉडी, बॉडी पे कंट्रोल लाना है। फिर आपको क्या करना है, आपको अपने अंदर में स्किल सेट्स डालने हैं। फिर आपको क्या करना है, अपने अंदर में इमोशंस डालने हैं। और फिर फाइनली आपको क्या करना है, आपको अपनी आत्मा से जुड़ना है। तो एसक्यू क्या है, वो पी क्यू, आई क्यू, ई क्यू और एस क्यू इस लेवल पर होता है। पी क्यू इज डूइंग, आई क्यू इज थिंकिंग, ई क्यू इज फीलिंग एंड एस क्यू इज नोइंग, अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस। समझ में आ रहा है आपको इतनी डिटेल में? ये मेरा बहुत हाई लेवल स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का कोर्स है जो आपके साथ कर रहा। पहले मैं सोची कि ये कराऊं कि नहीं कराऊं, क्या रेलेवेंस है, बट फिर मुझे लगा कि नहीं, अगर आप ही नहीं समझेंगी तो आप करेंगी कैसे? पहले तो समझना आपको पड़ेगा ना कि भाई मेरे बच्चे को मैं स्पिरिचुअल इंटेलिजेंट कैसे बनाऊं, उसका एसक्यू के स्कोर को कैसे हाई करूं। ये कोर्सेज में जनरली स्कूल, कॉलेज, ऑर्गेनाइजेशन ऐसी जगह पे लेते हैं जहां पे एसक्यू स्कोर को बढ़ाना पड़ता है, बिकॉज अभी का सबसे ज्यादा नेक्स्ट क्या है कि सबको अपने एसक्यू स्कोर को बढ़ाना है, स्पिरिचुअल क्वेश्चन को बढ़ाना है, स्पिरिचुअल क्वेश्चन को बढ़ाना है। तो जब तक एक माँ नहीं समझेंगी स्पिरिचुअल क्वेश्चन क्या होता है, तो अपने बच्चे का क्यों कैसे एसक्यू बढ़ाएंगी? तो पहले समझना आपको पड़ेगा और पहले आपको अपना एसक्यू बढ़ाना पड़ेगा। आपका एसक्यू बढ़ेगा तो बच्चे का एसक्यू बढ़ेगा। इट विल गो लाइक दिस। सो पी क्यू इज फिजिकली फेसिंग अ सिचुएशन, आई क्यू इज मेंटली परसीविंग अ सिचुएशन, ई क्यू इज इमोशनली फीलिंग अबाउट द सिचुएशन, एंड एस क्यू इज हाउ वी अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ द सिचुएशन एंड वॉट वी वॉन्ट टू डू अबाउट इट। क्लियर? आई होप एम आई क्लियर? नाउ पी क्यू, आई क्यू एंड ई क्यू आर दस द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एस क्यू। हाउ एवर PQ, IQ, EQ can all be replaced by artificial intelligence, but SQ is what gives us the real competitive edge. तो अगर आप ये भी सोचो कि ये काम करते SQ तक का कौन झमेला मोलेगा, बाबा इतना ट्रू सेल्फ और इतना अध्यात्म के बारे में, मैं EQ के लेवल तक अपने आप को स्टॉप कर देती हूँ। तो अगर मैं EQ के लेवल पे स्टॉप कर दूंगी तो क्या होगा, मेरा बच्चा सुपर परफॉर्मर तो बन जाएगा, स्टार परफॉर्मर तो बन जाएगा, लेकिन सुपर स्टार परफॉर्मर नहीं बनेगा, क्योंकि एसक्यू आपको सुपरस्टार परफॉर्मर बनाता है। जो मैंने बर्नआउट की बात बोली ना, आजकल मैक्सिमम केसेस वैसे हो रहे हैं। स्पोर्ट्स के फील्ड में ले लो, आप बॉलीवुड, हॉलीवुड इंडस्ट्रीज में ले लो, आप कहीं भी, आप बिजनेस सिनारियों में ले लो, एक लेवल में पहुंचने के बाद में लोग ब्रेकडाउन हो जा रहे हैं, डिवोर्सेस बढ़ रहे हैं, बहुत बहुत प्रॉब्लम हो रही है, हेल्थ इश्यूज इतने आ रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ दैट बर्नआउट।
वो बर्नआउट तभी पॉसिबल है कंट्रोल होना जब आप एसक्यू के लेवल पे जाओ, तब आप क्या होगा, आप अपने आप से जुड़े रहोगे, फिर ये सब चीज आपको फर्क नहीं देगी, आप हैंडल कर पाओगे। आप सक्सेस को भी, लोग क्या सक्सेस ज्यादा आने पर तबाह हो जाते हैं, एडिक्शंस में चले जाते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो अपने करियर के इतने हाई पीक पे चले गए बट वो उस सक्सेस को हैंडल नहीं कर पाए प्रॉपरली, एंड बिकॉज वो प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाए अपने सक्सेस को, दे गॉट एक्साइटेड, मनी, एडिक्शंस, ड्रग्स, एल्कोहल, बहुत सारी चीजों में वो फंस गए। फंस के उनकी पूरी शरीर बर्बाद हो गई, उनका आईक्यू, ईक्यू सब बर्बाद, मतलब जिन जिन चीजों ने उनको उस लेवल पर लेके गया, वो बोलते हैं ना बेल कर्व ग्राफ, जिस जैसे ऊपर गए वैसे वो पूरे के पूरे नीचे धराशायी हो गए, खत्म हो गए। तो एसक्यू जो है वो हमको उस जगह पर मेंटेन कराएगा और कंटिन्यू ग्रोथ कराता रहेगा। तो कैसे हम अपने बच्चे का एसक्यू बढ़ा सकते हैं, हमारा अगला सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जिस्टेंशियल स्किल्स हेल्प्स इन डेवलपिंग अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस एग्जिस्टेंस, द लॉज ऑफ कर्मास, द पर्पस ऑफ लाइफ, द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ एंड द जर्नी बियॉन्ड। आपको समझना होगा कि कर्म क्या है, ये सब पे मेरे वीडियोस हैं। कर्म पर आप अगर मेरे YouTube चैनल में जाएंगे, सोनल जैन जायसवाल के नाम से मेरा YouTube चैनल है, तो उसमें कर्मास के ऊपर में, क्रिएटिंग डेस्टिनी के ऊपर में बहुत ब्यूटीफुल वीडियोस हैं। मैं चाहूंगी बैठ के ना आप सारे वीडियोस को देख डालो, क्योंकि तो बहुत कुछ मिलेगा, और जितना मिलता जाएगा आप उसको उतना इम्प्लीमेंट करते जाएंगे ना, तो बहुत लर्निंग होंगी आपकी। तो पर्पस, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, ये डेथ और लाइफ का साइकिल क्या है, ये मैंने समझाया है लाइफ आफ्टर डेथ, मेरा एक और मेरा वीडियो लाइफ आफ्टर डेथ, उसकी मेडिटेशन भी है, बहुत ब्यूटीफुल है वो भी। आप जब वो सब चीजों को आप समझोगे, उसके डीप मीनिंग को, उसकी अंडरस्टैंडिंग को, तब क्या होगा, आपके बच्चे में वो सारी क्वालिटीज जाएंगी। So, इसके लिए एक मदर को क्या करना है, शी शुड रीड, डिस्कस एंड मेडिटेट ऑन दीज डीप क्वेश्चंस, कि क्या पर्पज है हमारे जीवन का, क्यों इस कर्मों के जाल में हम फंसे हुए हैं, क्यों हमारा आवागमन हो रहा है, क्यों ये साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ चालू है। और उन्हें अपने जीवन को जीना पड़ेगा एट अ वेरी हाई लेवल ऑफ वैल्यूज एंड मोरालिटी, अपने जीवन को एक बहुत हाई लेवल पे जीना पड़ेगा, तभी वो अपने बच्चे में ये सारी क्वालिटीज को डाल सकती हैं। आप जियोगे तो जैसे तैसे, और चाहोगे आपके बच्चे का एसक्यू अच्छा हो जाए, नॉट पॉसिबल, वो तो फर्स्ट यू हैव टू इम्प्रूव ऑन योर एसक्यू, देन इट हैज अ स्ट्रॉन्ग प्रोफाउंड एंड लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द चाइल्ड इन द वूम एज वेल, विच लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ हिज स्पिरिचुअल कोशेंट। सो अब नेक्स्ट, इसको अचीव कैसे करना है, अब हमें एकदम क्लियर हो गया है। अगर क्लियर हो गया पी क्यू आई क्यू ई क्यू एस क्यू, देन जस्ट गिव मी अ थम्स अप, चैट बॉक्स में मेरे को क्विकली एक थम्स अप दे दीजिए कि यस वी आर एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट पी क्यू आई क्यू ई क्यू एस क्यू, और बच्चे में कैसे ये डालना है उसे आप एकदम क्लियर है, क्विकली चैट बॉक्स में थम्स अप अगर आप डाल दो तो मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यस आई एम इन द राइट डायरेक्शन, यस डन 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 डन। और जितने लोग थम्स अप डाल रहे हैं सब मेरे रिकॉर्ड में आ गए हैं, अब मैं बहुत सारे मेहनत कराने वाली हूँ, ट्रैकर शीट भरवाने वाली हूँ, आप लोग को सबको भर के देना होगा, और मैं फॉलोअप भी लेने वाली हूँ, आई एम अ वेरी टफ टास्क मास्टर, हाँ मेरे साथ जो काम करते हो जानते हैं, बहुत स्ट्रांग मेरा फॉलोअप रहता है। तो आपको फिर वो सारी ट्रैकर शीट्स भर के देनी पड़ेंगी एवरी वीक, यस वी आर फॉलोइंग दीज थिंग्स। नेक्स्ट, So, हम इसको अचीव कैसे करेंगे, ऐसे ही अचीव नहीं हो जाएगा, सूक्ष्म से स्थूल, ग्रॉस सटल से ग्रॉस। तो सबसे पहले हमें अपने वाइब्रेशंस को बढ़ाना पड़ेगा, हम चाहेंगे कि भाई गुस्सा ना आए, हम चाहेंगे भाई ऐसा ना हो, मेरे मूड स्विंग्स ना हो, नहीं पॉसिबल है ऐसे, हम इंसान हैं। तो जब तक हम अपनी वाइब्रेशंस को नहीं बढ़ाएंगे, वाइब्रेशनल लेवल पे अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, वी कांट अचीव इट। सो वी नीड टू फर्स्ट रेज आवर वाइब्रेशंस। कैसे वाइब्रेशंस को रेज कर सकते हैं, थ्रू चक्रा बैलेंसिंग, थ्रू हीलिंग और स्वादिष्टान चक्र, थ्रू मंत्र चैंटिंग, ये सब मैं वन बाय वन आऊंगी डिस्कस करने। तो हमें सबसे पहले अपने वाइब्रेशंस को बढ़ाना होगा चक्र की साधना करके, और जो स्वादिष्ठान चक्र है वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और मेन चक्र है, बिकॉज वहीं पे हमारा वूम्ब है, तो उसको हमको हील करते जाना होगा, वहीं पे सारी चीजें हो रही हैं, वहीं पे हमारा बच्चा है, तो हमें उस पर बहुत ध्यान देना है। और मंत्र चांटिंग करने, भक्तामर में हमारे चार श्लोक है,
वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो वो सब हमें चैंट करने हैं, हमें चक्र बैलेंसिंग करनी है, हमें स्वादिष्ठान चक्र को हील करना है ताकि हम वाइब्रेशन लेवल पे अचीव कर सके। फिर सेकंड मेंटल लेवल पे, तो पहले तो हमें अपने वाइब्रेशंस क्रिएट किए। अब वाइब्रेशंस के बाद फिर हम मेंटल मेंटल लेवल पे, दैट इज थ्रू अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन। ये मैंने बहुत डिटेल में मेंटल वेलबीइंग में इन द बिगनर कोर्स ऑफ गर्भ संस्कार मैंने किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज देखे, बिकॉज आज मैं अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन समझाने वाली नहीं हूं, बहुत डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझाया है, ब्यूटिफुली समझाया है। तो आप प्लीज वो वीडियो को देखिए। आज मैं बताऊंगी क्या अफर्मेशन करना है और क्या विजुअलाइज करना है। आज मैं सिर्फ क्या बताने वाली हूँ, कैसे करना बता चुकी हूँ, बिगनर कोर्स में कैसे कवर हो चुका है, आज एडवांस कोर्स में हम क्या करेंगे वो मैं बता रही हूँ। तो मेंटल लेवल पे हमें अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन करने हैं। तो पहले हमको वाइब्रेशन लेवल पे वाइब्रेशन क्रिएट करने हैं, फिर मेंटल लेवल पे अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन करना है, और फिर उसके बाद फिजिकल लेवल पे हमको ये सारे स्किल्स अचीव करने थ्रू एक्टिविटीज। अब म्यूजिकल स्किल डेवलप हो, ऐसे हवा में थोड़ा ना हो जाएगा, हमें खुद को थोड़ा समय निकालना होगा रोज का, 15 मिनट आधी घंटा व्हाटएवर रियाज करने के लिए। बहुत मेरा बच्चा बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाए तो ऐसे थोड़ा ना बन जाएगा, हमको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और ये सब चीज के साथ टाइम स्पेंड करना होगा। मैं चाहूंगी मेरा बच्चा बहुत एक हाई पोजीशन पे, एकदम मैनेजेरियल लेवल पे बहुत हो, बिल्कुल सीईओ वगैरह, तो उसकी इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो मुझे उस पे वर्क करनी पड़ेगी। मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अमेजिंग हो, तो मुझे पीक्यू पे वर्किंग करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? तो मुझे ये सारे स्किल्स थ्रू एक्टिविटीज, खुद पर वो एक्टिविटीज करके मुझे अचीव करना होगा। अब ऐसा नहीं कि आपको बच्चे को क्रिकेटर बनाना है तो आप क्रिकेट खेलना शुरू कर दो, ऑफ कोर्स दैट इज नॉट एडवाइजेबल, प्लीज इस तरह से नहीं समझना, बट आपको अपनी पीक्यू पे वर्किंग करनी पड़ेगी, आपको अपने डाइट पे वर्किंग करना पड़ेगा, आपको अपने स्लीप साइकिल्स, अपने एक्सरसाइज, मतलब आपके अपने पूरे पीक्यू वेलबींग पे आपको वर्क करना पड़ेगा। माँ कौशल्या, पता है आपको माँ कौशल्या किसकी माँ है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम, राम जी की माँ है माँ कौशल्या। उन्होंने अपनी पूरी गर्भावस्था में कहाँ से भोजन किया आपको पता है? राजमहल में तो कितना अच्छा भोजन मिलता था, उन्होंने राजमहल में भोजन नहीं किया, उन्होंने भोजन किया कहाँ? ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में, वहां पर भोजन करती थी वो। क्यों? क्योंकि उनके मन में यह भाव आया कि जो राजमहल का खाना है किससे आ रहा है, राजमहल की कोई आमदनी थोड़ी ना होती है, वो तो कलेक्ट होती है जनता से। अब जनता में किसने कैसे कमाया, कैसे क्या किया और किस भाव से दिया, वो सारे इमोशंस उस पैसे के साथ में जुड़े हुए हैं। अगर मैं उन पैसों का खाना खाऊंगी तो पता नहीं कैसी एनर्जी मेरे बच्चे में जाएगी। तो उन्होंने निर्णय लिया कि मैं ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में खाना खाऊंगी और फ्री का नहीं खाऊंगी, उसके बदले में जो वहां के बच्चे थे उनको पढ़ाती थी, पढ़ाने के बदले में वो वहां का भोजन ग्रहण करती थी। तो सोचिए उनकी क्या डीप लेवल थिंकिंग थी उनकी, और ऐसी डीप लेवल थिंकिंग थी तो ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी जैसे बच्चे उनके गर्भ में आए और हुए। तो हमें डिसाइड करना हमारी कैसी थिंकिंग और हमारी कैसे एक्शंस होने चाहिए, उस हिसाब से हमारा बच्चा आएगा। ठीक है, अब चक्रास। आज समय बहुत कम है, बिकॉज ऑलरेडी अब 10 मिनट ही सिर्फ मेरे पास बचे हैं, और मैं कमिंग वीक में चक्रास पे डिटेल सेशन लेने वाली हूँ, ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे, 3 डेज का मेरा चक्रास पे डीप सेशन एंड मेडिटेशन होने वाला है। मैं लिंक शेयर कर दूंगी और मैं चाहूंगी आप सब उस सेशन को ज्वाइन करें, बिकॉज चक्रास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बच्चा है आपका गर्भस्थ बच्चा है वो और आप दोनों की जो चक्र है वो परफेक्ट अलाइनमेंट में है। तो जब आप अपनी चक्र साधना करती हैं तो ऑटोमेटिकली आपके बच्चे की भी चक्र साधना होती है, और जब आपका बच्चा चक्र साधना कर रहा होता है तो उसकी कितने कर्मों की निर्जरा आप गर्भ में कर दे रही हैं आपको खुद को अंदाजा नहीं हो रहा है। सो चक्र साधना मैंडेटरी है हर गर्भस्थ माँ को करना, बिकॉज आप कर्मों की निर्जरा होलसेल में कर रही अपने बच्चे को। तो आपके बच्चे को पैदा हो गए बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ता था, दुख को झेलना पड़ता था, बट गर्भ में ही आपने उसकी निर्जरा करा डाली, चक्र
चक्र साधना के द्वारा। तो चक्रास बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसे एक्सप्लेन करने में आज समय नहीं दूंगी बिकॉज कमिंग वीक ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे हम करने ही वाले हैं और इसका वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है, मेडिटेशंस भी अवेलेबल है। वैसे तो मैं कल एक मेडिटेशन कराने ही वाली हूँ बट वो एकदम फोकस्ड मेडिटेशन होगा ऑन प्रेगनेंसी, ठीक है। और हमारे लिए गर्भ की अवस्था में जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो चक्र है वो है हमारा स्वाधिष्ठान चक्र, ओके। यही हमारा प्लेस ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो स्वाधिष्ठान चक्र के भी बारे में हम डिस्कस करेंगे, आज बस इतना ही बताऊंगी। स्वाधिष्ठान चक्र जो है, इनफैक्ट यहाँ पे इस सेशन में कल से वो भी माताएं जुड़ी होंगी जो माँ बनना चाहती हैं, जो मेरे गर्भाधान ग्रुप में है, तो उनसे मैं सब कहूंगी कि आप स्वाधिष्ठान चक्र पर बहुत ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि स्वाधिष्ठान चक्र आपका अलाइनमेंट में नहीं है, इसीलिए आपको गर्भधारण करने में थोड़े इश्यूज हो रहे हैं। तो जैसे ही स्वाधिष्ठान चक्र बैलेंस हो जाएगा आपके लिए बहुत इजी रहेगा। तो स्वाधिष्ठान चक्र जो है वो क्या है, वो बना है हमारे जल तत्व का, और कौन से कलर का, ऑरेंज कलर का है। इनफैक्ट स्वाधिष्ठान चक्र पर भी एक स्पेसिफिक वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल में अपलोडेड है, मैं चाहूंगी आप उसे अच्छे से देखें। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी, वो ये है कि स्वाधिष्ठान चक्र है वो रिलेटेड है क्रिएटिविटी से। स्वाधिष्ठान चक्र जो है, जब हमारा स्वाधिष्ठान चक्र बैलेंस होता है तो हमारे अंदर जीवन जीने का उत्साह लेके आता है, बहुत हैप्पीनेस लेके आता है और हमें सात्विक भोग कराता है। तो अगर आपको अपने स्वाधिष्ठान चक्र को बैलेंस करना है तो सबसे पहले अपने जीवन से निराशा को दूर कर दीजिए, क्योंकि जिनका स्वाधिष्ठान चक्र बैलेंस नहीं होता, कंजेस्टेड होता है, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, वो एक सेल्फ गिल्ट में जीती हैं वो महिलाएं, हर चीज में अपने आप को ही दोषी पाती हैं, अपने आप को हमेशा दुखी फील करती हैं, जीवन में बिल्कुल उनको ना बहुत बिल्कुल निराशा सी रहती है और कोई निरस लगता है उनको पूरा जीवन, कहीं पे वो एंजॉयमेंट नहीं पाती हैं, फन फैक्टर उनके जीवन से बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो मैं इसमें सिंपल कहना चाहूंगी, इफ यू वॉन्ट अ चाइल्ड देन यू नीड टू बी फर्स्ट बी अ चाइल्ड योर सेल्फ। अगर आप बच्चा चाहती हैं तो पहले बच्चा बनिए। बच्चा बनिए मतलब बच्चा कैसा होता है देखिए जाके बच्चे को, एकदम फ्री एनर्जी, फ्री फ्लोइंग। तो स्वाधिष्ठान का क्या तत्व है, जल। जल क्या है, फ्री फ्लोइंग। आपने जल को क्या कर लिया, एकदम टाइट कर दिया, संकुचित कर दिया है, घेर दिया है। जल जल को अगर आप घेर दोगे ना तो क्या बन जाएगा, वो उससे सड़न हो जाएगी, बदबू आने लग जाएगी। और बहता पानी निर्मला, जैसे नदी का पानी जितना फ्लो करता है वो कितना होता है, निर्मल होता है, स्वच्छ होता है, हैप्पी होता है। तो आपकी एनर्जी फ्री फ्लोइंग होनी चाहिए लाइक अ चाइल्ड। आपको एंजॉय करना है लाइफ को, हैप्पी रहना है, खुश रहना है, क्रिएटिव बनना है। बच्चे कितने क्रिएटिव होते हैं, माय गॉड, मतलब मैं बच्चों को देखती हूँ क्या चीज से क्या बना डालते हैं। मेरा मतलब जहां मैं सोचती हूँ मेरी सोच खत्म होती है, वहां उनकी सोच शुरू होती है। तो क्रिएटिविटी, बच्चों की तरह क्रिएटिविटी लाइए अपने अंदर में, बच्चों की तरह एक्साइटमेंट लाइए। हर चीज का एक्साइटमेंट होता है, एक छोटा सा 1 रुपए का चॉकलेट देते उसका भी क्या एक्साइटमेंट दिखाते हैं वो, माय गॉड, जैसे पूरी दुनिया जन्नत मिल गई उनको। तो उनका जैसे एक्साइटमेंट लाइए, खुशी लाइए, एंजॉयमेंट लाइए। तो जब अगर आपको बच्चा चाहिए तो पहले आप खुद बच्चा बनिए। बस ये एक सेंटेंस में शायद आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूं। लेकिन एंजॉयमेंट का ये मतलब नहीं कि हम एंजॉयमेंट में खो जाएं। सात्विक भोग, हमें भोगी नहीं बनना है। भोगी फिर क्या करेगा, हमें बर्बाद कर देगा, फिर स्वादिष्ठान को गड़बड़ा देगा, इम्बैलेंस कर देगा। सात्विक भोग, जितने भोग की आवश्यकता है उतना भोग, हमें ना भोग से वंचित होना है ना हमें अति आवश्यक भोग करना है। सात्विक, बैलेंस्ड, इंजॉय, हैप्पी, खुशी। एक मतलब आप चाहो तो रूम लाइट अप हो जाना चाहिए, आप चाहो तो लोगों के चेहरे पे स्माइल आ जाना चाहिए, आपका प्रेजेंस मात्र ही एक खुशी का संचार करे सबके मन में, वो होना चाहिए आपका, आपकी पर्सनालिटी, राइट। तो ये था स्वाधिष्ठान चक्र, इसके मंत्र हैं, बीज मंत्र हैं, ये सब मैं ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे कमिंग वीक में डिस्कस करने वाली हूँ। आप प्लीज जुड़िएगा बिकॉज चक्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बच्चे की वाइब्रेशंस और आपकी वाइब्रेशंस को बढ़ाने के लिए। अब चक्र बैलेंसिंग थ्रू मंत्रा चैंटिंग। तो हमारे क्या 7 चक्र है और हमारे चक्र में बीज मंत्र है, और ये जो बीज मंत्र है ये हमारे सारे चक्र में
एस मेन मंत्र एंड पेटल मंत्रास प्रेजेंट है। तो जब हम मंत्र की चैंटिंग करते हैं तो क्या होता है, हमारे चक्र के डिफरेंट पेटल्स एक्टिवेट होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं। इसके बारे में भी मैं वही चक्र के जो सेशन में बहुत डिटेल में समझाने वाली हूँ, तो मैं चाहूंगी कि आप उस सेशन में आके इसको समझे, या फिर मेरी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब में, आप वो देख सकते हैं, राइट। तो हमें चक्र को बैलेंस करना है, स्वाधिष्ठान चक्र को हील करना है, और हमें क्या बोलते हैं, मंत्र चैंटिंग के द्वारा भी हम चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। अब मंत्र चैंटिंग, अब भक्तामर जी में चार श्लोक हैं जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। श्लोक नंबर 20 कंसेप्शन के लिए, गर्भाधान के लिए। तो जो भी मेरे गर्भाधान ग्रुप से हैं जो कंसीव करना चाहते हैं, वो इस श्लोक की चैंटिंग करें। कल, आज मैं मंत्र चैंटिंग नहीं कराऊंगी, कल का हमारा सेशन, आज सारा थ्योरी करेंगे और कल जो है हम पूरा पूरा फोकस करेंगे मंत्र चैंटिंग, मास हीलिंग एंड मेडिटेशन। कल मंजू भाभी भी रहेंगी, तो उनके मुखारविंद सारे मंत्र होंगे, तो उसकी जो हीलिंग आपको मिलेंगी उसका तो मैं क्या बताऊं आपको। तो मंत्र चैंटिंग कल हम साथ में करेंगे और हम मेडिटेशन करेंगे, तो कल का हमारा ये रहेगा। तो भक्तामर श्लोक 20 कंसेप्शन को लेकर है, श्लोक 9 आपको जो विशफुल डिवाइन चाइल्ड चाहिए, जिस पर आज का हमारा सेशन है, सर्वगुण संपन्न दिव्य शिशु, इसको प्राप्त करने के लिए श्लोक नंबर 9। कई लोगों में ये मन में ये मिसनॉमर है, वो है कि श्लोक नंबर 9 मेल चाइल्ड के लिए, बॉय चाइल्ड के लिए, नॉट नेसेसरीली। श्लोक नंबर 9 इज फॉर सर्वगुण संपन्न, जो बच्चा आप चाहते हैं। अगर आप मेल चाइल्ड चाहते हो, लड़का चाहते हैं अपने बच्चे के हिसाब में, तो ठीक है, बट जरूर नहीं। आप लड़की भी चाहते हो तो, बिकॉज कई बार लोग बोलते हैं कि अरे दीदी मुझे तो बेटी चाहिए, तो मैं इसका चैंटिंग करूंगी तो बेटा हो जाएगा। बोले नहीं, ऐसा नहीं होगा, अगर आप बेटी का ध्यान करें तो बेटी ही होगी। इसमें मैं एक और बात कहना चाहूंगी, जब हम गर्भ धारण करते हैं तो जेंडर ऑफ द चाइल्ड इज डिसाइडेड। तो अगर आपने कंसीव कर लिया है तो आप प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट रहेंगी, आप जेंडर पे फिर फोकस ना करें। बॉय गर्ल जो हो सर्वश्रेष्ठ होगा, बहुत अच्छा होगा। आप सर्वगुण संपन्न शिशु पे फोकस करें, तब बॉय गर्ल के बारे में आप नहीं जाए, क्योंकि जेंडर डिसाइड हो चुका है। आप वो, अब वो कर्म के साथ आप हस्ताक्षेप नहीं करें। जो कर्म हो चुका, जो बाण निकल गया, उस पर आप हस्ताक्षेप अब नहीं कर सकते, दैट विल बी रॉन्ग। तो अगर आपने कंसीव कर लिया फिर आप श्लोक नंबर 9 में अब ये सोचे कि भाई बॉय चाहिए बॉय चाहिए, तो गलत है। अगर आपने कंसीव नहीं किया तो आप यस, तब तो पूरा सोचे, बिकॉज मैंने किया था। मेरी जब बेटी होने वाली थी, मेरा पूरे एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस थे कि मेरे दो बेटे होंगे, मम्मी सामने में है अभी भी हंसती है, मेरे दो बेटे होंगे, ये एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस थे कि मेरे दो बेटे होंगे। बट मुझे सेकंड बेटी चाहिए थी, ये बस मेरा क्लियर था कि मुझे एक बेटा एक बेटी, मेरा बिल्कुल क्लियर था। तो मैंने 3 महीने पहले से, तब मैं श्लोक नंबर 9 तो नहीं जानती थी, बिकॉज तब मुझे भक्तामर का उतना ज्ञान नहीं था, बट दूसरे मंत्र जो मेरे थे, दुर्गा सप्तशती और वगैरह वगैरह, और कवच और भी दूसरे मंत्रों का हम चैंटिंग करते थे जो मेरे गुरु ने मुझे सिखाए थे, तो उनकी चैंटिंग करके मैंने एक गर्ल चाइल्ड का पूरा वाइब्रेशन क्रिएट किया कि मुझे तो लक्ष्मी स्वरूपा एक कन्या मेरे गर्भ में आ रही है, और मैं एकदम क्लियर थी। और मैंने पूरे 9 महीने वही मेडिटेट किया, 3 महीने पहले से ही मैंने शुरू कर दिया था मेडिटेशन, एंड बस वो गर्भ में आई, मैंने उसी फीलिंग से गर्भ धारण किया और बाकी 9 मंथ हुए। इनफैक्ट मैं जब डिलीवरी के लिए जा रही हूँ तो मेरे ससुर जी आए, बहुत प्यार करते, वो आके मेरे को बोले बेटा तो सैड नहीं होना, तेरे को बेटा, बिकॉज ही नोज कि मेरे को, मैंने इतना वो करके रखा था, मुझे बेटी हो रही बेटी हो रही, ही थॉट कि भाई बेटा होगा तो शायद मैं सैड हो जाऊंगी, तो इज लाइक सैड नहीं होना सुना, तेरे को बेटा होने वाला है, मतलब यही ऐसा नियति है। तो मैं बोली भाई बेटा हो बेटी हो, जो हो बच्चा ही है मेरा, लव तो मैं उतना ही करूंगी, बट देखते कुछ घंटे की बात है गई है, अब बाहर आने वाले, लेट्स सी। एंड मुझे बेटी हुई, और मैं जब बाहर स्ट्रेचर पे आई तो पापा दौड़ के आए मेरे कान पे, बोले सोनल तू जीत गई। That's what was told me, सोनल तू जीत गई, अब नाम क्या रखिए बता, क्योंकि नाम भी क्या, मैंने मेडिटेशन में वो किया था, मेरे गुरु ने मुझे किया था, तो नाम भी था, तो मतलब मैंने उनको धीरे से कान में बताया कि भाई ये नाम है, तो उन्होंने फिर फेसबुक में विद फोटो डाल दिया कि भाई श्याम भाभी हैज अराइव्ड ऐसे करके। तो what I mean to say is कि it really works, but अगर गर्भाधान हो चुका आपका, गर्भ में बच्चा ऑलरेडी है, फिर उसके आप खेल मत खेलिए, क्योंकि वो जेंडर डिसाइड करके आ चुका है, अब उसके गुणों पर आप फोकस कीजिए, क्योंकि सब एक समान है, कोई अंतर नहीं है, सब एक समान है।
ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रेगनेंसी में आप ट्राई कर सकती हैं। अब तो आपके सारे टूल्स आ गए हैं, अब आप एकदम बिगनिंग से करिएगा ना गर्भाधान स्टेज से, क्यों मिडिल लेवल पे करेंगी, नेक्स्ट में ट्राई करिएगा, बट अभी फिर छेड़छाड़ नहीं। ठीक है, तो श्लोक नंबर 9 इज फॉर, नॉट फॉर मेल चाइल्ड, मेल चाइल्ड अगर आप चाहती हैं तो इट इज फॉर सर्वगुण संपन्न दिव्य शिशु। श्लोका नंबर 34 इज प्रोटेक्शन ऑफ द वोम, आपके गर्भ की रक्षा के लिए श्लोक नंबर 34 है। एंड श्लोक नंबर 26 इज पेनलेस एफर्टलेस नॉर्मल डिलीवरी, कि भी आपकी डिलीवरी सेलिब्रेशन हो, सेलिब्रेशन एंजॉयमेंट। सेम मेरे बेटे की जब डिलीवरी हुई थी बहुत बहुत डिफिकल्ट थी, बहुत डिफिकल्ट थी। सो मैंने कहा कि नहीं, ये इतना इतना अच्छा फीलिंग था और मैं इतनी डरी सहमी थी उस डिलीवरी में, मुझे फीलिंग बिल्कुल पसंद नहीं आई। एंड आई वाज लाइक कि नहीं, आई हैव टू रिक्रिएट इट, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मेरी जब बेटी का जब डिलीवरी हुआ, इट वाज लाइक सेलिब्रेशन, वही सेम हॉस्पिटल सेम एनवायरनमेंट में हंसते हंसते जा रही हूँ, पूरा हमने बकायदा फोटो सेशन पूरा किया है ओटी में जाने के पहले, और इतना मेरा पूरा परिवार मेरे पास में था। एंड इट वाज सच अ मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन जब मेरी बेटी बॉर्न हुई सेकेंड टाइम। सो तब मुझे लाइक यू नो, तब बहुत अच्छा फीलिंग हुआ। जब मैं फर्स्ट डिलीवरी और मैं सेकेंड डिलीवरी कंपेयर करूँ तो फर्स्ट डिलीवरी वॉज लाइक ट्रोमैटिक, मतलब मुझे लगा ओ माय गॉड क्या हो रहा है, मैं रो रही हूँ एंड क्या हो रहा है। सेकंड डिलीवरी वाज लाइक सेलिब्रेशन। सो आप एक क्रिएशन को दुनिया में लाने वाली है, तो आपको डरा सहमा नहीं रहना है, आपको एकदम एंजॉय करना है, सेलिब्रेट करना है, कितनी बड़ी संतान, दिव्य संतान आप इस दुनिया में ला रही हो, तो वो खुशी से आना चाहिए, एक हैप्पीनेस की फीलिंग। सो पेनलेस एफर्टलेस नॉर्मल डिलीवरी के लिए श्लोक नंबर 26 है। नो एफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन, जैसा कि मैंने कहा बहुत डिटेल में मैंने मेंटल वेलबींग में किया है, प्लीज नहीं देखा है या देख भी लिया है तो वापस से आप जाके आज जरूर देखिएगा, और फिर इसको मैं जो बता रही हूँ करिएगा। सबसे पहले हमें लिखना है राइटिंग द क्वालिटीज एफर्मेशन। अब क्या होता है एफर्मेशन वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, ये आपका होमवर्क है, मेरे वीडियो से आप खुद देखेंगे। तो हमें एफर्मेशन लिखने हैं, सारी क्वालिटीज लिखनी है, उसके हिसाब से हमें विजन बोर्ड बनाना है 9 इंटेलिजेंस का। मैं आप सबसे विजन बोर्ड एक्सपेक्ट कर रही हूँ नेक्स्ट 2 टू 3 डेज में, कि आप सब मुझे अपना विजन बोर्ड बना के दोगे। जो 9 इंटेलिजेंस है, हर इंटेलिजेंस में आप अपने बच्चे के किस लेवल को चाहते हो। मे बी म्यूजिकल इंटेलिजेंस आपको कोई नाता नहीं है, लेकिन बच्चे में क्वालिटी मतलब जीरो नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, तो कुछ तो आपको उसमें डालना ही पड़ेगा। 9 के 9 इंटेलिजेंस में कुछ ना कुछ होना चाहिए, और कुछ इंटेलिजेंस तो सुपर डुपर होना चाहिए, राइट? तो आप किस लेवल का इंटेलिजेंस 9 चाहती हैं, उसका आपको विजन बोर्ड बनाना है। कुछ अगर आपके कुछ जैसे सपोज स्पोर्ट्स में है, तो आप चाहते हैं आपका बच्चा धोनी की तरह हो या सचिन तेंदुलकर की तरह हो, तो आप उनकी फोटो भी लगा सकती हैं वहां पे। स्पिरिचुअल है तो स्पिरिचुअल में आप चाहते विद्यासागर महाराज जी जैसा एकदम दिव्य हो मेरा बच्चा, तो आप विद्यासागर जी महाराज जी की फोटो लगा सकती है, महाप्रज्ञा जी की फोटो लगा सकती हैं, शिवानंद बाबा की फोटो लगा सकती हैं। मतलब आप EQ है, तो अगर आप किसी को जानते हैं जिसका इंटरपर्सनल इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छा, आप उसकी फोटो यूज कर सकती हैं, या क्वालिटीज यूज कर सकती हैं। बेसिकली आपको 9 इंटेलिजेंस में आपका बच्चा किस लेवल पे स्टैंड करेगा और कैसा होगा फिजिकल में, इनफैक्ट आपको पूरे लुक्स को डिसाइड करना है अपने बच्चे का, कैसा कलर चाहिए, डिम्पल चाहिए नहीं चाहिए, कैसी आंख चाहिए, आईज किस कलर की चाहिए, यस किस कलर की आईज चाहिए वो भी डिसाइड कर सकती है, डिम्पल्स है कि नहीं है वो भी डिसाइड कर सकती है, डिम्पल्स हंसने पे आना चाहिए कि नॉर्मल में आना चाहिए वो भी डिसाइड कर सकती हैं, कि जब हंसे तो हल्की हल्की डिम्पल आए मुझे तो वही पसंद है, कि हमेशा डिम्पल रहना चाहिए वो पसंद है, आंखें मुझे ब्राउन पसंद है कि ब्लैक पसंद है कि ग्रे पसंद है, कर सकती हैं आप डिसाइड, कर सकती हैं। रिजल्ट आपको मिलेगा, आपने कितना डीपली सोचा। एक रिसर्च हुआ है, एक वाइट कपल थे, हस्बैंड वाइफ दोनों वाइट थे, उनका बच्चा हुआ निग्रो ब्लैक। टेंशन में आ गए कि भाई हम दोनों व्हाइट है, बच्चा निग्रो ब्लैक कैसे हो गया। फिर जब उस पे बहुत डिटेल रिसर्च किया गया तो पता क्या चला, उस जो महिला थी उसका फेवरेट फुटबॉल प्लेयर था जो बिल्कुल ब्लैक था, नाम भूल गई हूं मैं, एकदम काला था, उसने उसकी पोस्टर एकदम अपने बेड के सामने लगा के रखी थी, दिन रात उसको देखती थी और उसको उसको बहुत पसंद करती थी, तो उसकी क्वालिटीज को उसकी सब चीजों को बहुत अपने अंदर लेके आती थी, तो ब्लैक कलर भी साथ में विरासत के रूप में उसे मिल गया। इट्स अ रियल रिसर्च, इट्स अ रियल रिसर्च।
तो आप जो क्वालिटी देखने में स्पिरिचुअल इंटर जैसा आप कुछ है वैसी क्वालिटीज का आपको विजन बोर्ड बनाना है, और फिर आपको इसको मूवी की तरह विजुअलाइज करना है कि आपका एक ऐसा बच्चा है जो सपोज एकदम गोरा है लाइक स्नो वाइट, जिसकी आंखें में भी ग्रे कलर की है और जिसके बाल घुंघराले हैं या स्ट्रेट हैं। मैंने सोचा था मेरी बेटी मेरी जैसे और उसके बाल डिट्टो के डिट्टो मेरे जैसे हो गए हैं। माई गॉड, मेरी मम्मी तो छोटी सोनल कहती है उसे, बिकॉज मैं हमेशा सोचती थी वो मेरी जैसी होगी मेरी जैसी होगी, मेरा बेटा मेरे हस्बैंड जैसा होगा मेरी बेटी मेरी जैसी होगी। तो वो बिल्कुल मेरे हस्बैंड जैसा दिखता, मेरी बेटी मेरी जैसी दिखती है, मतलब यहाँ तक कि बाल भी हमारे एक जैसे हैं, पीछे से देखेंगे सेम डिटो बाल लगते हैं। सो व्हाट आई मीन टू से, आप विजुअलाइज करो कैसे कैसी क्वालिटीज आपको चाहिए। मेरे पास एक कृष्ण भगवान की फोटो थी जो पूरी प्रेगनेंसी मैंने अपने सामने में रखी थी, और सही में मेरे बेटे का चेहरा और वो फोटो इतना सिमिलर है, इतना सिमिलर है कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि दिन रात वो फोटो मेरे सामने रहता था। तो अपने आप वो क्वालिटीज डाउनलोड होती गई। तो आप विजुअलाइज कीजिए कैसी क्वालिटीज आपको चाहिए, दिन रात आप उसको विजुअलाइज कीजिए। और फिर सिर्फ इतना करने से नहीं होगा, व्हाट आर यू रेडी टू पे, आप क्या एक्शन लेना चाहती हैं इसके लिए। फ्री में कुछ नहीं मिलता, देर इज नो फ्री लंच इन लाइफ। इनफैक्ट जीवन में कोई आपको कुछ आके फ्री देना, सच्ची बोल रही हूँ, हाथ जोड़कर उनको मना कर दीजिए, बोले फ्री में मत दीजिए, इसके बदले कुछ तो ले लीजिए आप, कुछ तो ले लीजिए। क्योंकि फ्री का मुफ्त का लिया हुआ आपको लग रहा है मुफ्त का लिया, उसका कर्मों का इतना बड़ा जाल में आप फंस रही हैं, आप खुद नहीं जानती आपको कितने टाइम्स के बाद करके उसको चुकाना पड़ेगा। आज का फ्री का 10 रुपया पता नहीं कितने करोड़ रुपए में मे भी आपको अगले जन्म में रिटर्न करना पड़े, आपको भी आइडिया नहीं है। तो फ्री की कोई भी चीज हमें फायदे की नहीं रहती, यू हैव टू पे द प्राइस फॉर एवरीथिंग। तो आप जो भी क्वालिटी अचीव करना चाहती हैं उसके लिए आपको प्राइस पे करना बहुत जरूरी है। तो अब कुछ स्लाइड्स है एफर्मेशंस के, मैं क्या करूंगी, मैं इसको ग्रुप में पोस्ट कर दूंगी, बिकॉज अभी मैं जस्ट आपको स्लाइड्स दिखाती जा रही हूँ। तो आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट्स भी आप ले सकते हो, आप इसके स्क्रीनशॉट्स ले लो कि पीक्यू अच्छा करने के लिए क्या एफर्मेशंस है, दैट यू आर डेवलपिंग वेल इन माई वूम। आप चाहो तो उसको हिंदी में भी ट्रांसलेट कर लीजिए, ऑल योर बॉडी पार्ट्स एंड ऑर्गन्स आर डेवलप प्रॉपरली एंड वर्किंग प्रॉपरली, योर बर्थ वेट इज 3.5 किलोज और 4 किलोज, 3.75 किलोज, you can decide and set affirmation for physical looks ki bhai you are tall, you have dimples, you have gray eyes, you are snow white, you have got round face, you have got sharp features. kaisa chahiye physical looks ko leke aap decide kijiye. aur aapke har month aapka fetus grow kar raha hai, jo maine apne pichle beginner session mein maine pura ek chart diya tha ki har mahine bacche ka kya kya development hai, kab heart develop hota hai, kab heart develop hota hai, sab bataya, kab brain develop hota hai. to aap apne month ke hisab se aap wo bhi kar sakte hain ki bhai is month mein heart develop ho raha hai, to aap affirmation dijiye ki your heart is developing well. is month mein brain cell zyada develop ho rahe hain, to your brain is developing well, whatever. to is tarah se pq ke auto suggestions. And then you are physically very active. I love your kicks. You love to dance in my tummy. You are getting very good at sports. Or agar koi particular sport chahiye to good at cricket or whatever. Jo bhi is tarah ke PQ ke auto suggestions. You are quick at brain mind coordination. Your body responds fast at your brain signals. To lekin ab ye kuch maine sirf sample diya aapke idea ke liye. अच्छा, एफर्मेशन कभी यू के लिए काम नहीं करता, बट दिस इज द ओनली केस जहां पे यू के लिए काम करेगा, क्योंकि वो जो यू है वो आपके अंदर नहीं है, आपका बच्चा आपके साथ एक है। नहीं तो एफर्मेशन का सबसे पहला रूल यही होता है कि आप किसी दूसरे इंसान के लिए एफर्मेशन नहीं सेट कर सकती। तो जब तक बच्चा आपके गर्भ में, आप उसके लिए एफर्मेशन सेट कर सकती है। जिस दिन डिलीवरी हो गई उस दिन के बाद एफर्मेशन फेल हो जाएंगे, तब आपके बच्चे पे लागू नहीं होंगे, बिकॉज वो अब अलग आप अलग, जब तक गर्भ में तब तक वो आपके साथ है। IQ के auto suggestions, you are doing great with number and logic, you have good command over language, or you are learning new language, or can express well with words, you respond so well to my talks, मेरे गर्भ संवाद के साथ में, I love your sense of humor, you can mimic so well, I love your acting, you have a good sense of music, you are very creative, इस तरह से। EQ, I'm going very fast because time काफी हो गया and I'm sure
जो गर्भस्थ महिलाएं हैं उनके लिए इतना लंबा बैठना थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, तो बस 5 मिनट्स में माइंड अप कर रही हूँ। ये सब के आप स्क्रीनशॉट्स ले लो, बिकॉज आपको इसको रेफर करना ही पड़ेगा। ईक्यू के हो गए, यू आर एबल टू कनेक्ट पीपल सो विद पीपल सो वेल, यू आर एबल टू फॉरगिव इजीली, यू आर एन ओशन ऑफ लव, यू हैव एन एक्सट्रीम क्लैरिटी ऑफ माइंड, यू यू कैन एक्सेप्ट अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ वेरी इजीली, यू टेक केयर एंड शो काइंडनेस टू ऑल द लिविंग थिंग्स इन नेचर। उसी प्रकार से एसक्यू के ऑटो सजेशंस, यू आर नॉट अ बॉडी बट अ सोल, यू हैव कम टू माय वूम टू फुलफिल योर लाइफ पर्पस, यू आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ सत्यचित आनंद, यू आर रेजिंग योर वाइब्रेशंस इन माय वूम, यू हैव अ लॉट ऑफ फेथ एंड डिवोशन टुवर्ड्स गॉड। फिर खुद के लिए भी कुछ ऑटो सजेशंस आपको करने, तो सिर्फ बच्चों के लिए हुआ। आई एम काम एंड कंपोज्ड, माई डिलीवरी इज अ मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन, आई एम एंजॉइंग एवरी मोमेंट ऑफ माई प्रेगनेंसी, आई एम लैक्टेटिंग वेल। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे आप अगर थर्ड ट्राइमेस्टर तक आ गई तो आपको अपने लैक्टेशन, लैक्टेशन मतलब जो आपको बच्चे को अपना दूध फीड करना है उसके बारे में सोचना आप चालू कर दीजिए, ताकि वो दूध का जो डेवलपमेंट है ना वो अभी से ही शुरू हो जाए, कि भाई मैं अपने बच्चे को बहुत अच्छे से फीड कर पा रही हूँ, मेरा बच्चा बहुत संतुष्ट है मेरा फीड पाके, उसको पूरा न्यूट्रिशन मिल रहा है, उसको पूरी ग्रोथ मिल रही है। इस तरह से आई एम लैक्टेटिंग वेरी वेल, माई वेट गेन, अब ये भी एक बहुत बड़ा टेंशन का बात होता है, वेट बहुत बढ़ जाता है, मेरा तो भयंकर बढ़ा था मेरी दोनों प्रेगनेंसी में, इसलिए मैं जरूर ये पॉइंट डालती हूँ कि भाई डिसाइड करो 15 किलो 20 किलो कितना आप चाहते हो कि भाई मेरा वेट गेन इतना हो रहा है, ताकि आपके माइंड को पता हो कि ये फुल स्टॉप करने की मोमेंट है, इससे आगे नहीं बढ़ाना है ना। फिर विजन बोर्ड, इस तरह के कुछ सैंपल्स है विजन बोर्ड, क्या फोटो ले सकते हो उसके। इस तरह से आप 9 इंटेलिजेंस पे, ये तो मैंने जस्ट ऐसे ही रैंडम नेट से निकाल के डाले हैं, आपको खुद के बनाने हैं। 9 इंटेलिजेंस को लेकर आपको हर इंटेलिजेंस के हर स्किल को, मतलब आईक्यू है तो आईक्यू में म्यूजिकल लॉजिकल हर चीज पर आपको करना है, ईक्यू है तो इंट्रा इंटर नेचुरलिस्टिक सब सब पूरे 9 इंटेलिजेंस 4 क्वेश्चन में डिवाइड करके आपको करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद इनकॉर्पोरेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स थ्रू डेली एक्टिविटीज, तो आपको रोज क्या क्या करना है उसकी लिस्ट मैं शेयर कर रही हूँ। आपका रोज चक्र बैलेंसिंग एंड स्वादिष्टान हीलिंग मेडिटेशन करना है, मतलब मैंने अभी आपको बताया था कुछ भी फ्री में आपको पाना नहीं है, तो ये सेशन जो है मैं आपको फ्री में दे रही हूँ, राइट। तो आपको कुछ अब रिटर्न करना होगा, तो रिटर्न आप क्या करोगे, ताकि हमारा कार्मिक बैलेंसिंग हो, तो रिटर्न में आप ये एक्टिविटीज करोगे मेरे लिए, ठीक है, आप ये एक्टिविटीज करोगे मेरे लिए। अगर आपने एक्टिविटीज कर ली तो मुझे खुशी मिलेगी कि मैंने जो हार्डवर्क किया आपके लिए, इतनी मेहनत की, उस वो मेरा बराबर हो गया। तो आपको ये सब करना है, इसकी इसके पूरा जैसे स्लाइड कंप्लीट होता है इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लेना। चक्र बैलेंसिंग एंड स्वादिष्टान हीलिंग मेडिटेशन, मंत्र चैंटिंग, कल हम करेंगे मंत्र चैंटिंग, तो वो आपको रोज करना है। एफर्मेशन राइटिंग, जो आप एफर्मेशन की लिस्ट बना रही हैं आप एवरी मंथ उसको चेंज भी कर सकते हैं, कुछ कुछ परमानेंट रहेंगे, कुछ चेंजेबल होंगे डिपेंडिंग ऑन मंथ, वो आप पर डिपेंड करता है, बट आपको 10 से 15 एफर्मेशन आपके होने चाहिए, तो वो एफर्मेशन आपको रोज लिखना है, एक बार रोज लिखना है, ठीक है। विजुअलाइजेशन मेडिटेशन, जो आपने विजन बोर्ड बनाया है, जो बच्चे बच्चे को आप चाहती हैं उस विजन बोर्ड के हिसाब से आपको रोज मेडिटेट करना है एक बार मिनिमम, ठीक है। रीडिंग ऑफ स्क्रिप्चर्स एंड रिसाइटिंग ऑफ श्लोकास, आपको कुछ ना कुछ अच्छे ग्रंथ पढ़ने हैं, श्लोक पढ़ने हैं रोज। एक्टिविटीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल लिंग्विस्टिक म्यूजिकल एंड स्पेशल स्किल्स, ये जो अलग अलग जो है इसकी एक्टिविटी करनी है, लॉजिकल स्किल्स से रिलेटेड कुछ ब्रेन टीजर सॉल्व करना है, कुछ पजल सॉल्व करना है, लिंग्विस्टिक से रिलेटेड कुछ लिखा पढ़ी का काम करना है, कुछ राइटिंग किया, कुछ स्पीच किया, कुछ सुना, म्यूजिकल स्किल से कुछ म्यूजिक सुना, अगर हम अपने म्यूजिक के लेवल को बहुत हाई नहीं कर रहे हैं तो फर्स्ट लेवल क्या है कि खाली म्यूजिक सुने, तो गर्भ संवाद गर्भ संस्कार के म्यूजिक को भी आप एटलीस्ट सुन लेंगी तो भी बच्चे में कुछ म्यूजिकल सेंस जाएगा। मैं रॉक म्यूजिक पॉप म्यूजिक की सलाह नहीं दूंगी, बिकॉज उससे क्या होता है वो म्यूजिक के बीट्स आपके चीजों को डिसोरियंट कर देंगे, आप गर्भ संस्कार टाइप के सॉफ्ट म्यूजिक को सुनिएगा। और अगर आप म्यूजिक में बहुत हाई लेवल बच्चे को चाहती हैं तब तो आपको कुछ खुद ही रियाज करना होगा, खुद सीखना पड़ेगा, एंड स्पेशल स्किल्स इसके लिए आपको एक्टिविटीज करनी होगी। गर्भ संवाद, रोज आपको अपने बच्चे के साथ मिनिमम 5 to 10 मिनट्स बातें करनी है, मैंडेटरी। सुबह ग्रेटिट्यूड एक्सरसाइज एंड शाम को फॉरगिवनेस एक्सरसाइज करना ही है। सुबह जब उठे 1 मिनट लगता है
आप धन्यवाद ज्ञापन करें इस शरीर का, इस दुनिया का, आपसे रिलेटेड सारे लोगों का। लगे तो मैं एक मेडिटेशन रिकॉर्ड करके ग्रुप में डाल भी दूंगी इसका, कि कैसे ग्रैटिट्यूड करना है। सिमिलरली रात में सोने के पहले फॉरगिवनेस, वो इसलिए करा रही हूं कि बच्चे के अंदर जो कर्म ऐड हो रहे हैं वो वहीं के वहीं बैलेंसिंग हो जाए। सासू माँ ने कुछ बोला, दुख लग गया, शाम को हमने माफी दे दी, खत्म हो गई बातचीत, क्लोज कर दिया हमने। हम नहीं चाहते कि वो कैरी ऑन हो। तो रोज फॉरगिवनेस एक्सरसाइज करनी, और रोज ग्रेटिट्यूड देने से क्या होगा, वो इंटरपर्सनल स्किल्स इंप्रूव होंगे। स्पेंडिंग टाइम विद नेचर, कुछ ना कुछ एक एक्टिविटी नेचर की करनी है। आपका पेट है तो उसके साथ समय बिताइए, या बागवानी कीजिए, या कुछ भी करिए, वॉट एवर, ठीक है। योगा एंड प्राणायाम डिपेंडिंग ऑन योर हेल्थ कंडीशन, इसके बारे में भी डिटेल में मैंने फिजिकल वेलबींग में डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये फिर से मैं बैक जाती हूँ, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये सारी एक्टिविटीज आपको रोज करनी है अगर आप क्या चाहती हैं, सर्व गुण संपन्न दिव्य शिशु। नॉर्मल चाहती हैं कोई बात नहीं, हम यहाँ सुपर बेस्ट की बात कर रहे हैं, जो सुपर स्टार परफॉर्मर हो उसकी बात कर रहे हैं। एक नॉर्मल परफॉर्मर चाहती है, ठीक है, स्टार परफॉर्मर चाहती है, ठीक है, सुपर स्टार परफॉर्मर अगर आप चाहती हैं तो आपको सारी चीजें करनी होंगी। और अगर आपने कर लिया, गारंटी है, गारंटी, अगर आपने सारी चीज अच्छे से कर ली तब तो ये वेद और उपनिषद गारंटी देते हैं। मैं नहीं देती, वेद उपनिषद गारंटी देते हैं, क्योंकि सब वेद में वर्णित है, वेद वेद के श्लोक में लिखा हुआ है कि भाई ऐसा ऐसा अगर आप करते हो तो ऐसा ऐसा चीज होता है। और साक्षात माँ कौशल्या ने, मद मद मदलसार जी ने, माँ जय भक्त प्रहलाद की माँ ने, जीजाबाई ने, सबने, सब साक्षात ज्वलंत उदाहरण है सबके, राइट। तो ये आपने रोज करना है। अब कुछ ऑनलाइन टूल्स है जो अवेलेबल हैं, जो हमें हेल्प कर सकते हैं इसमें। अब हम कहां से रोज पजल ढूंढने जाएं, कहां से हम कुछ क्रिएटिविटी, आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटी ढूंढे जो हमारे स्पेशल स्किल्स को इम्प्रूव करे, स्क्रिप्चर को कहां से हम ढूंढ ढूंढ के निकाल के पढ़ें। सही में ये भी थोड़ा मेहनत का काम है ढूंढना करना। अगर ऐसा कोई ऐप हो जो आपको घर बैठे एवरी डे आपके ट्राइमेस्टर के हिसाब से, मतलब आपकी प्रेगनेंसी का जो डे है उस डे के हिसाब से जो क्वालिटी, जो चीज जानी चाहिए उसकी सारी चीजें अगर आपको प्रोवाइड कर दे तो कितना अच्छा हो जाए। मैं ऐसा कुछ ढूंढ रही थी और लकीली मुझे ये मैजेस्टिक गर्भ संस्कार करके एक ऑनलाइन ऐप है जो मुझे मिला, जो मुझे बहुत पसंद आया। फिर मैंने उनसे कोऑर्डिनेट भी किया, उनका एक कोर्स भी होता है, तो मैंने जस्ट उसको इसलिए ज्वाइन किया समझने के लिए कि भाई जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा है कि नहीं है। एंड सही में इट वॉज वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा इस तरह का। फिर मैंने बाद में ढूंढा तो और भी ऐप्स है, तो यू कैन चेक आउट। बट मुझे अच्छी बात क्या लगी कि जैसे चक्रा मेडिटेशन, तो चलो मैं मेडिटेशन दे दूंगी, विजुअलाइजेशन कैसे करना कल सिखा दूंगी, मंत्र चैंटिंग भी कल मंजू भाभी रहेंगी, मैं रहूंगी, मंत्र चैंटिंग के भी पूरी डिटेल आपको सिखाने वाले हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें जो है वो हम आपको करा देंगे। लेकिन अब जो आईक्यू स्किल्स हमको इंप्रूव करने हैं और भी बहुत सारी चीजें करनी है जिसके लिए हमको मटेरियल चाहिए, भाई हमको उस तरह की स्टोरी सुननी है, स्क्रिप्चर सुनना है, उस तरह की आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी करनी है, तो उसका मटेरियल रोज का कहां से आए, तो ये ऐप उसमें हेल्प करता है। तो ये गर्भ संस्कार ऐप है जिसमें इस तरह की 12 चीजें वो प्रोवाइड करते हैं, श्लोक देते हैं, वीडियो देते हैं। वो जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपसे पूछते हैं अपने बच्चे में क्या क्या क्वालिटीज डेवलप करना चाहते हो, तो उस क्वालिटी के आप बोलते हैं साहसी बच्चा चाहिए तो साहस भरी कहानी आपसे शेयर करेंगे, दयालु बच्चा चाहिए तो दयालु वाली कहानियां शेयर करेंगे, सच्चा बच्चा चाहिए एकदम सच्चाई वाला तो वैसी कहानियां शेयर करेंगे। फिर उनके वेद, रामायण, गीता, उपनिषद के उनके ना स्क्रिप्चर्स भी बहुत अच्छे बने हुए हैं पार्ट्स पार्ट्स में, तो उसको वो शेयर करते हैं। फिर वो ब्रेन टीजर्स, पजल्स वो शेयर करते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटी रोज अलग अलग देते हैं कि भाई आप देखो और उसको देख के कर लो, कभी कुछ ड्रॉइंग दे देंगे, कभी कोई चीज से कुछ बनाना बता देंगे, तो इस तरह की उनकी एक्टिविटीज है। गर्भ संवाद में भी कई बार हम कंफ्यूज अपने बच्चे से बात क्या करें समझ नहीं आता, तो वो बता भी देते भाई आप इस तरह के इस टॉपिक पे अपने घर बच्चे से बात करो। फिर उसके बाद टिप आती है, फिर डाइट, अच्छी डाइट, सात्विक डाइट के बारे में वो टिप दे देते हैं। फिर अभी उन्होंने जस्ट मेरी परसों जब बात हो रही थी, मैंने बताया कि भाई मैं सेशन लूंगी तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आपके बारे में बताऊं, तो उन्होंने कहा अभी वो अभी दिसंबर से एक नया चीज शुरू कर रहे हैं कि वो वीक में 1 घंटे का योगा सेशन भी प्रोवाइड करेंगे
विद एन एक्सपर्ट एज पर योर ट्राइमेस्टर. फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिए अलग होगा, सेकंड के लिए अलग होगा, थर्ड के लिए अलग होगा. तो ये उनकी डाउनलोड वाली लिंक है जो यहाँ पर मैंने दे के रखी है. तो इनका एक फ्री वर्जन भी और एक पेड वर्जन भी है. तो मैं चाहूंगी फ्री वर्जन तो आप आज के आज ही डाउनलोड कर लो और उसको एक्सप्लोर कर लो कि कैसा है. बट फ्री वर्जन में क्या है ना, इस तरह की एक्टिविटीज रोज की नहीं आती है, उसमें कुछ कुछ चीजें दी भी हो, देख देख के कर सकते हो. और फिर उनका पेड वर्जन है, तो पेड वर्जन भी कोई कॉस्ट उसकी बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ 1600-1700, जिसमें मैंने उनसे बात की थी तो उन्होंने मुझे कमिट किया कि भाई आपको मैं 10%, मैंने कहा भाई मेरे लोग हैं और प्लस हम ये फ्री सेशंस वगैरह करते हैं तो वी आर नॉट इनटू कमर्शियल एक्टिविटी. तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको 10% डिस्काउंट ऑफर कर देंगे. तो उन्होंने कोड भी बना के दिया, मैं ग्रुप में शेयर कर लूंगी. तो अगर आप उस कोड से लोगे तो आपको 10% रिड्यूस कॉस्ट में मिलेगा. व्हाई आई एम शेयरिंग, मतलब यहाँ पे आई एम नॉट प्रमोटिंग दिस ऐप और वॉट एवर, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है. मैं इसलिए करी हूँ बिकॉज मैंने जो पाया ना कि हम कई बार लिमिटेड हो जाते हैं, वी गेट लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ कि कैसे करें भाई, मुझे योगा करना है, कैसे योगा करूं, क्या स्टोरी सुनूं, क्या पजल सॉल्व करूं. 2-4 दिन जोश रहता है, नेट से ढूंढ ढूंढ के निकाल लिया, 5वें दिन जोश खत्म हो गया. वही अगर मेरे फोन पे वो एक्टिविटीज की लिस्ट अगर आ जाए और उनके पास में वो ट्रैकर भी आता है, बीप भी आती है, भाई आपने इतनी फिनिश की, इतनी नहीं की, इतनी नहीं की, इतनी नहीं की, तो आप क्या जागरूक रहते हो कि हाँ मुझे करना है, करना है, करना है, तो क्या वो बेटर तरीके से हो जाता है. तो आई रियली फाउंड इट वेरी वेरी इनोवेटिव, वेरी इंटरेस्टिंग. सो आई थॉट दैट आई शुड शेयर देम एंड आई नो दीज पीपल ऑल्सो, तो मुझे काफी अच्छे लगे थे. तो इट्स योर चॉइस. फ्री वर्जन तो जरूर से डाउनलोड कर लीजिए आप, एंड पेड वर्जन इज योर चॉइस. एंड इफ यू वॉन्ट टू डू देन आई कैन शेयर द कोड, देन यू कैन गेट अ 10% डिस्काउंट ऑन दैट. और मैं उनसे और रिक्वेस्ट की भैया प्लीज इसको और बढ़ा दो ना. बोले ठीक है, अभी तो 10% करते, फिर हम आगे देखते हैं. मैंने कही हमारा जो है वो फ्री टाइप का है जिसमें हम सेवा भाव से करते हैं. तो ये गर्भ संस्कार एक ऐप है जो आपको बहुत सारी आपकी एक्टिविटीज को कराने में आपको हेल्प करेगा. अब कमिंग टू माई फाइनल स्लाइड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है ट्रैकर शीट. एकदम ध्यान से देखिए इसको, ये मैं ग्रुप में आपसे शेयर करूंगी. मुझे हर हफ्ते सैटरडे को ये ट्रैकर शीट फिल करके चाहिए. जो जो एक्टिविटी आप करेंगे आप उस पर टिक करते जाएंगे, ठीक है. तो ऐसे मैंने 19 एक्टिविटी लिख के दी है जो आपको मैंडेटरीली करनी ही करनी है, करनी ही करनी है. अब आप इसके हिसाब से अपनी दिनचर्या को सेट करिए, काम को थोड़ा आगे पीछे करिए. बट अगर हमको एक सर्वगुण संपन्न दिव्य शिशु चाहिए तो ये 19 एक्टिविटी मैंडेटरी है. इसके अलावा कुछ, सपोज आप कुछ एक नया लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, कुछ नया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहते हैं या और कुछ अलग सा कुछ करना चाहते हैं, जो बच्चे में कुछ एक विशेष क्वालिटी डालना चाहते हैं, तो वो आप एडिशनल अपना यहाँ पे और 1, 2, 3 मैंने ऐसे ही दे दिया जो आप लिख सकते हो. एंड मुझे एवरी डे का आपका ओवरऑल हैप्पीनेस रेटिंग चाहिए, सत्चित आनंद का रेटिंग, कि एट अ स्कोर ऑफ 10 जेन्युइन आप अपने आपको 5 देंगे, 6 देंगे, 7 देंगे कि 10/10 देंगे. एवरी डे का स्कोरिंग चाहिए मुझे. ये आप रोज भरेंगे, रोज भर के एवरी सैटरडे आप ग्रुप में पोस्ट करेंगे इसको, और मैं यहाँ पे आपका डेटा कंपाइल करूंगी ताकि हमें समझ में आएगा कि कैसे हम कर रहे हैं. क्लियर, क्लियर. और फिर हम, अच्छा, दो मैंने ट्रैकर शीट बनाई है, एक अगर आप ऐप लेते हो तो उसका साथ, और ऐप नहीं लेते हो तो उसके साथ. क्योंकि अगर आप ऐप नहीं लेते हो तो आप खुद से फिर स्क्रिप्चर रीडिंग, श्लोका लर्निंग, मैथमेटिकल पजल, क्रिएटिव एक्टिविटी खुद से करनी होगी. और अगर आप ऐप लेते हो तो ऐप के 12 जो एक्टिविटीज हो मैंने इसमें ऐसी डाल दी है कि आप खाली ऐप से करोगे, यहाँ पे टिक करते जाओगे इसमें यही यही कर लिया, तो उससे वो पोर्शन कवर, बिकॉज वो ऐप हर चीज कवर नहीं करता है, अनफॉर्चुनेटली वो हर चीज कवर नहीं करता है, वो कुछ एस्पेक्ट को ही कवर करता है. वो कुछ आईक्यू के एस्पेक्ट को कवर कर लेता है और कुछ एसक्यू के हिसाब से स्क्रिप्चर वगैरह को कवर कर लेता है, बट जो हमें पूरा एकदम होलिस्टिक चाहिए वो कवर नहीं करता है. जो हमारा मंत्र चैंटिंग है, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, वो सब वो कवर नहीं करता है. तो इसलिए ऐप का मैंने थोड़ा सा कर दिया, और बाकी जो है उसके तो मटेरियल मैं आपको दे ही रही हूँ, बता ही रही हूँ. ये सब आपको फिल करना मुझे एवरी सैटरडे, ये होगी मेरी गुरु दक्षिणा, राइट, ये मेरी गुरु दक्षिणा होंगी. अगर आपको लग रहा है कि आपको इससे बहुत बेनिफिट हो रहा है और आप सच्ची में एक सर्वगुण संपन्न शिशु को प्राप्त कर सकती हैं, तो आपको मेरी मदद करनी होगी, क्योंकि मैं कर रही हूँ PhD डॉक्टर मंजू जैन के अंडर में, और ये मेरा PhD का टॉपिक है, सर्वगुण संपन्न दिव्य शिशु. मैं 9th नंबर श्लोका पे कर रही हूँ, तो मैं आपको हेल्प कर रही हूँ और आप मुझे हेल्प करोगे, आप ये सब ट्रैकर शीट फिल करके दोगे तो मैं अपने PhD में डालूंगी और मेरी आपका वर्ल्ड क्लास बेबी होगा, मेरी वर्ल्ड क्लास PhD होगी.
राइट तो अगर आप मुझे हेल्प करना चाहते हो तो आप मुझे इस तरह से हेल्प करोगे, ये मेरी गुरु दक्षिणा हो गई, तो फ्री में कुछ नहीं हुआ, है ना, हम दोनों का एक अंडरस्टैंडिंग हो गया, मैं आपको बेबी करने में हेल्प कर रही हूँ और आप मुझे पीएचडी करने में हेल्प कर रहे हो, राइट, तो एक डील हो गई हमारी। तो ये मुझे एवरी, मतलब जोक्स अपार्ट, बट मैं बहुत सीरियसली बोल रही हूँ, बिकॉज जो चीज ट्रैक नहीं होती वो चीज नहीं होती। 4 दिन जोश, 5वें दिन गुल, बट हम ट्रैक करते, टिक करते, तो खुद होता है कि ओ माई गॉड, इसकी 5 एक्टिविटी छूट गई। कोई बात नहीं, छूट गई, कोई बात नहीं, बट फिर हम अगले दिन ध्यान दें कि वो पांच छूटे ना, वो पक्का से हो, तो हम बिल्कुल अपने जो होलिस्टिक ग्रोथ के ऊपर फोकस्ड रहेंगे। करेक्ट, डन। तो यही कमिटमेंट मुझे चाहिए कि जो एक प्रॉमिस को रियलिटी में कन्वर्ट करे। अब्राहम लिंकन जी ने कहा है, कमिटमेंट इज व्हाट ट्रांसफॉर्म्स अ प्रॉमिस इनटू रियलिटी। तो मुझे आप सबसे कमिटमेंट चाहिए, ऑल द प्रेग्नेंट मदर्स एंड दोस हु वांट टू गेट प्रेग्नेंट, प्लीज गिव मी दिस कमिटमेंट कि यस, आप अपनी दिनचर्या एक बनाएंगी और जो एक्टिविटीज मैं बता रही हूं उसको ट्रैक करेंगी और ग्रुप में एवरी सैटरडे सबमिट करेंगी। हम हर 15 दिन पे मिलेंगे, एवरी 15 डेज, दैट्स कमिटमेंट फ्रॉम माई साइड। आप मुझे एवरी वीक शीट हर रोज का भर के देंगी, हर 15 दिन में हम मिलेंगे फॉर अ मेडिटेशन एंड हीलिंग सेशन, जहां मंत्र चैंटिंग करेंगे और मेडिटेशन करेंगे, प्लस आपके कुछ अगर इश्यूज हैं तो डिस्कस करेंगे, और बाकी ऐसे तो आपके कुछ भी इश्यूज हैं आप ग्रुप में डाल सकती हैं, नहीं तो पर्सनली मुझे आप वॉइस नोट भेज सकते हैं। कई बार लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, बट सही बात बोलूं तो, लेकिन इवन आई एम फैमिली पर्सन, आई गॉट किड्स एंड ऑल, बात करना उतना पॉसिबल नहीं होता, बट व्हाट्सएप पे मैसेज के थ्रू एंड वॉइस नोट के थ्रू बहुत अच्छे से बातें होती है, हमें ऑनलाइन बात करने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आप टाइप कर सकती तो मैसेज करें, नहीं तो आप वॉइस नोट भेजें एंड मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगी, राइट? नहीं तो हम जब सेशंस में मिलेंगे तो हम बातचीत कर सकते हैं। तो एवरी 15 डेज वी मीट फॉर अ मेडिटेशन एंड अ हीलिंग सेशन, एवरी वीक यू आर सेंडिंग मी योर शीट्स, एंड एक क्वेश्चनेयर है जो मेरे पीएचडी का है, मैं वो 15 दिन बाद जब अगला सेशन होगा उसमें मैं वो आपसे शेयर करूंगी, बिकॉज 15 दिन में जब तक आप ये सब चीज प्रैक्टिस करोगे ना, तब आप उस क्वेश्चनेयर को भरने लायक बनोगे। अभी मैं दे भी दूंगी तो कोई फायदा नहीं है, आपको एक लेवल अचीव करना पड़ेगा अपना। तो आप ये सब करना शुरू कीजिए, एंड एवरी मंथ हम सबसे कमिटेड मदर को दिव्य माँ ऑफ द मंथ अनाउंस करेंगे। तो हम देखेंगे हमारे ग्रुप में कौन दिव्य माँ है, जो अपनी सारी एक्टिविटीज को रिलीजियसली अच्छे से कर रही है, जिसका एसक्यू स्कोर अच्छा है, और मैं चाहूंगी जेन्युइन, क्योंकि देखिए एसक्यू का एक रूल ये है ऑनेस्टी। तो अगर आप फॉर्म फिलिंग में डिसऑनेस्टी रखेंगी कि भाई कुछ भी ऐसे टिक किया, किया नहीं फिर भी टिक कर दिया, ओवरऑल हैप्पीनेस स्कोर चिड़चिड़ की, गुस्सा किया, रोना धोना किया, फिर भी 10/10 दे दिया, तो वो गलत हो जाएगा। फिर वही क्वालिटी बच्चे में जाएगी कि हम चीटिंग कर रहे हैं, दिस इज चीटिंग। जो आपका है, नहीं किया कोई प्रॉब्लम नहीं, बट नहीं किया अगर हम उससे जागरूक रहेंगे कि चीज नहीं किया तो हम कल करने पे प्रेरित रहेंगे, तो आज नहीं किया तो कल करेंगे, तो एटलीस्ट हम बैलेंसिंग तो कर रहे हैं ना, कुछ चीजें हमारी छूट नहीं रही है, हम कहीं ना कहीं उसको कवर अप करते जा रहे हैं, राइट? तो इसी के साथ विद दिव्य माँ ऑफ द मंथ, आई होप, मतलब ऐसी कॉम्पिटिशन हो कि मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगी किसको दिव्य माँ ऑफ द मंथ का मैं अवार्ड दूं, इतना इतना वाइब्रेंट हमारा ग्रुप हो और ऐसी दिव्य माएं सब हो जो अपने दिव्य शिशु के प्रति इतनी जागरूक हो, क्योंकि एक जागरूक माँ ही एक जागरूक बच्चे को बर्थ दे सकती है, तो एक दिव्य माँ ही एक दिव्य बच्चे को बर्थ दे सकती है। आप होगे कुछ और, आप चाहोगे कुछ और, बोले ना, बोया बीज बबुल का, आम कहाँ से होए, तो हम तो बबुल की तरह हैं और हम चाहते आम हो, नहीं पॉसिबल है, पहले बबुल से हमें आम बनना पड़ेगा और फिर ही हम आम के फल दे सकेंगे। तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे मैं पूर्ण विराम करती हूँ, कल हम मिलेंगे, आज पूरा थ्योरी सेशन था, कुछ डाउट है तो कल हम डिस्कस कर लेंगे, कल हम मिलेंगे मंत्र चैंटिंग के लिए और मेडिटेशन के लिए। मैं चाहूंगी एक मंत्र पे मेरा एक वीडियो है, मैं ग्रुप में अभी शेयर कर लेती हूँ, आप सब उस वीडियो को देखिएगा। तो मंत्र करने का सबसे इफेक्टिव वे क्या है और मंत्र की शक्ति क्या है और क्यों हमें मंत्र चैंटिंग करना चाहिए, उससे कैसे हमारे वाइब्रेशन बढ़ते हैं, वो आपको क्लियर होगा। तो जब उस अंडरस्टैंडिंग के साथ कल जब मंजू भाभी बैठेंगी और आप उनसे हीलिंग लेंगे, तो आप और अच्छे से हीलिंग प्राप्त कर पाएंगे।
ठीक है। और फिर हम मेडिटेशन करेंगे जिसमें हम स्वादिष्टान चक्र पर फोकस करेंगे। मैं स्वादिष्टान चक्र का भी वीडियो शेयर कर लूंगी ताकि आपको एक आइडिया हो जाए, अगर बराबर क्लियर नहीं हो बिकॉज मैंने नहीं समझाया चक्र, आई एम सॉरी, बट उसके बाद भी मैं हाफ एन आवर अपने टाइम को एक्सीड कर गई, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। तो इसके साथ आज का सेशन यहीं पे हम पूर्ण विराम करते हैं। अच्छा, इसमें आज के सेशन में अगर कोई लोग ऐसे आए हैं जो प्रेग्नेंट हैं या फिर प्रेग्नेंट होना चाहते हैं बट मेरे ग्रुप्स में नहीं है, तो प्लीज अपना नंबर शेयर कर लीजिए ताकि हम ग्रुप में आपको ऐड कर ले, बिकॉज हमारी 15 डेज तक सारी एक्टिविटी ग्रुप के थ्रू होगी और हम एवरी 15 डे मिलेंगे। तो अगर आप ग्रुप में नहीं होंगे तो यू विल मिस ऑन लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज मैं बहुत मटेरियल शेयर करूंगी प्लस शीट्स को ट्रैक करेंगे। तो अगर कोई ऐसा है जो नहीं ऑलरेडी है तो आप अपने नंबर को शेयर कर लीजिए। एंड इन केस यू नो मॉम्स, प्रेग्नेंट मदर्स और दोज हु आर इन द प्लानिंग स्टेज, देन प्लीज शेयर, बिकॉज आई रियली वॉन्ट दिस वर्ड टू गेट अक्रॉस, ताकि ज्यादा से ज्यादा दिव्य संतान पैदा हो सके और ये जो हमारा हमारी जो सृष्टि है वो और भी ब्यूटिफुल हो सके, बिकॉज हम सृष्टि को और कुछ नहीं दे सकते, हम सृष्टि को खाली बेस्ट चीजें अगर दे सके तो वही हमारा भगवान की, अगर भगवान वापस जाएंगे और भगवान पूछेंगे बेटा क्या किया, तो अगर हम ये बोलेंगे कि हमने कोशिश की कि आपकी सृष्टि को और ब्यूटीफुल बना सके तो शायद कुछ अच्छी बात होगी। तो मैं चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा मदर्स तक मैं टच कर सकूं, तो इन केस यू कैन लाइक यू नो स्प्रेड दिस वर्ड अराउंड, इट विल बी रियली नाइस। एंड वी मीट टुमोरो, वर्षा जी अगर हैं या मम्मी मेरी अगर हैं तो इफ दे वॉन्ट टू कम ऑनलाइन। मंजू भाभी ने ज्वाइन किया है कि आई एम नॉट श्योर इफ शी हैज ज्वाइंट। एक स्नेहा जी पूछे नहीं वर्कशीट किया क्या नॉन लेकिन प्रेग्नेंट लोग भी कर सकते हैं, कभी तो नॉन प्रेग्नेंट जो प्रेग्नेंट होना चाहते हैं गर्भाधान स्टेज में है वो प्लानिंग अपनी तैयारी शुरू कर ले। यस, बिकॉज गर्भाधान 1 साल पहले से शुरू हो जाता है एंड 3 महीने पहले से तो बिल्कुल फोकस्ड हो जाना चाहिए। तो अगर बिकॉज आप अगर मेरे जो बिगनर लेवल जो मेरा वीडियो है उस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो मैंने ये कहा था कि गर्भाधान जो है वो सबसे क्रिटिकल स्टेज है, बिकॉज गर्भ में मेरा एक बीज आ गया, अब मैं उस बीज को ठीक कर रही हूँ विच इज स्टिल पॉसिबल, लेकिन मैं गर्भ में बीज को ही वैसा बुला रही हूं तो क्या बात होगी। तो सबसे बेस्ट है गर्भाधान स्टेज से वर्क करना, फिर सेकंड बेस्ट है ये गर्भ के स्टेज से वर्क करना, और फिर बच्चा बाहर आ गया तो भाई हमें तो करना ही है, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, अपने बच्चे के लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे। बट बेस्ट इज इफ यू कैन वर्क फ्रॉम गर्भाधान, तो जो प्रेग्नेंट नहीं है वो भी अगर ये सब चीजों को इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे देन यू कैन अट्रैक्ट द बेस्ट सोल एवर, बेस्ट सोल, बेस्ट सोल। तो इसके साथ मैं इसको एंड कर